بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ومن شر النفاثات في العقد من ومن شر النفاثات في العقد ومن ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله جزاك الله سبحان الله سبحان الله کیا کہنے قاری نعیمی صاحب جزاک اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن اور آج بھی ناظرین گرامی پورے پاکستان نے آج ایک طریقے سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے کچھ دوست جو ہیں وہ ڈی ایس این جی پر ہیں کچھ دوست ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مگر اس سے پہلے یو کے یو ایس اے تمام خلیجی ممالک سعودی عربیہ اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے 92 نیوز کی طرف سے اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک جو ہے ناظرین گرامی وہ بہت ہی عوامی نوعیت کا ٹاپک ہے اور جسے کہیے کہ وہ رذائل جو ہمیں انسان سے جو ہمیں جسے کہیے کہ نا آدمی سے انسان نہیں بننے دیتے ہیں آج ان رذائل میں سے ایک پر یعنی کہ حسد پر ہم گفتگو کریں گے
और ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई घर ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जो ज़ाती तौर पे जिसने इसका तजुर्बा ना किया हो, या उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग ना पाए जाते हों जिसके बारे में उसकी राय ये हो कि वो हसद में मुब्तला रहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी माशरती बुराई है जिसका हमें बहुत ही कसरत से सामना है। ये दूसरे को भी नुकसान पहुँचाती है और अपने को भी नुकसान पहुँचाती है। वो भाईचारा, वो अख़ुवत का मुजाहरा जिसकी एक्सपेक्टेशन इस्लाम करता है हमसे, ये हमें वो भाईचारे का मुजाहरा करने नहीं देता है, क्योंकि हमें हसद जो है वो करीब नहीं आने देता है, मोहब्बत नहीं करने देता है किसी से, और हम नफ़रतों में और दूरियों में मुब्तला रह जाते हैं। यही वजह है कि अकायद जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है। और आपको अंदाज़ा है कि सूखी लकड़ियों को किस सूरत के साथ, किस तेज़ी के साथ आग जो है वो बर्बाद कर देती है। ऐसे ही नेकियों को खा जाता है। वजह इसकी यही है कि वो जो एक भाईचारे का माहौल जो है, वो जो एक अख़ुवत का माहौल जो है, जो इस्लाम जिस चीज़ का मुतकाजी है, जो एक खूबसूरत सोसाइटी का क़याम चाहता है, ये हसद जो है ये उसकी बिल्कुल ज़िद है। और एक बारीक जज्बा है जो बिल्कुल इसके साथ साथ ट्रेवल कर रहा होता है, मगर आप देखिए कि उस जज्बे में और इस जज्बे में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। बाज़ औक़ात आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि आप हसद में मुब्तला हैं या रश्क की नज़रों से किसी को देख रहे हैं। मगर रश्क अगर है तो एक आप समझिए कि उसमें तारीफ ही तारीफ है, और अगर हसद है, रश्क जो है वो भलाई ही भलाई है, हसद जो है वह आप समझिए कि नाकामी ही नाकामी है। कोई शय जो किसी शख्स के पास है और दिल में ये ख्याल आए कि ये इसके पास क्यों है, ये है हसद। जिसको उर्फ़ आम में हमारे, आपने देखा है कि कॉमेडियन दोस्त भी बाज़ोकात कहते हैं कि हमारे यहाँ बेशतर लोग जब दुआ कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह मियाँ मैनू दे ना दे ऐदे को लो खोला। ये एक ख्याल ये है कि हमारा ये अमूमी रवैया है, जबकि रश्क ये है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने किसी को इनायत की है, बारी ताला ऐसी मुझे भी दे, एक बात। और दूसरे ये कि इसके उसमें और इजाफा कर, क्या तेरी मेहरबानी है, तूने किसी को गला अता किया है, किसी को दौलत अता की है, किसी को हुस्न अता किया है, किसी को इल्म अता किया है, किसी को शेर अता किया है, बड़ी तेरी मेहरबानी, बारी ताला यही चीज़ जो है ये मुझे भी अता कर। ये रश्क है। तो इन दोनों मौजूदात पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इतनी सख्ती और इतनी नफ़रत का इजहार क्यों किया गया है इस जज्बे से दीन इस्लाम में। और हमारे साथ मौजूद होंगे, अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब। अब यूँ तो डी जी औकाफ हैं, मगर इनकी असल जो पहचान है मुआशरे में वो एक बहुत ही धीमे लहजे के मुदल्लल तरीके से गुफ्तगू करने वाले इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से है। बहुत ही दोस्त आदमी है, बहुत ही शानदार आदमी है, कम अज़ कम भी हमारा 14-15 बरस का साथ है, बहुत हमने इकट्ठे काम किया। ताहिर भाई से हमें सच्ची बात है बहुत सीखने को मिलता है। वेलकम टू द शो ताहिर भाई। शुक्रिया जनाब। जज़ाकअल्लाह। हम कब से लगे हुए थे कि ताहिर रज़ा बुखारी साहब हमें वक्त दे दें। नहीं, हम तो रोज़ आपकी मजलिस में शामिल होते हैं। हाँ ठीक है। और हम रोज़ आपका जो नूर वाला प्रोग्राम है वो फिर यूट्यूब पर जाके देखते हैं। तीन हो गए और हमारे साथ मुस्तकिल हिस्सा होते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सैयद कासिम अली शाह साहब। जज़ाकअल्लाह। वेलकम टू द शो शाह जी। बहुत शुक्रिया। आज तो बड़ा दिलचस्प मौजू है ना, बेशक नहीं, समाजी भी और रूहानी भी, बातनी भी क्या मजे का मौजू। और आपसे गुफ्तगू करके इसलिए अच्छा लगेगा कि शाह साहब जो है ना, इनका भी जो नी जर्क रिएक्शन है, कल परसों हमने इस पर बात की थी, वो बड़ा पॉजिटिव होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक होता है सोच के ये कहना, ये भी अच्छी बात है, ये भी कम हो गया है कि सोच के इजहार करना भलाई का, कि नहीं भाई बुराई नहीं करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए। एक ये है कि नीजर क्रिएशन के तौर पे भी आप किसी को दुआ दे दें, तो बर्जस्ता बात करते हैं। दूसरा ये है कि ये बुनियादी तौर पर सूफ़ी है, और ये आज का जो मौजू है यस, इसमें जो सूफियाना एक गाइडेंस है, रहनुमाई है, उसकी ज़रूरत है। तो आज तो आज इनके पीछे पीछे चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। और हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा घराना है और बड़ा कलाम ये पढ़ते हैं और बड़ा गला है, बड़ी यानी कि न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि सब कॉन्टिनेंट की, बड़े सगीर पाको हिंद की एक बड़ी शख्सियत जो है वो हमारे साथ मौजूद है। बड़े घराने से इनके ताल्लुक है, मोहतरम रफाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो रफाकत भाई। जज़ाकअल्लाह, बड़ी मोहब्बत आज आपने दोबारा हमें वक्त दिया। मेहरबानी आपकी। इट्स एन ऑनर, इट्स बिग ऑनर फॉर मी। क्या कह रहे हैं। और हमारे साथ अब मैं चलूंगा जरा दूसरे जो स्टूडियोज हैं हमारे, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नात शरीफ में, हम शरीफ में, एक बहुत ही बड़ा नाम फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब। इनकी भी मोहब्बत है कि ये हमें वक्त दे देते हैं, ये देखने को भी मिल जाते हैं, इनकी आवाज़ भी हमें सुनने को मिल जाती है। वेलकम फसी भाई।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकअल्लाह। अब हम चलेंगे मोहसिन अब्बास हैदर साहब की तरफ। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही वाइब्रेंट नौजवान हैं, बहुत फिल्में कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेस कर रहे हैं और एक इजाफी मलका जो अल्लाह ताला ने इन्हें अता किया है कि इनका गला बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छे हैं। आजकल क्वारंटीन में है, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है वन एंड ओनली मोहसिन अब्बास हैदर साहब ने। वेलकम मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपका। और मोहसिन तो जितने मोहसिन ने अपने आप को फिट किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये शाबान से ही इन्होंने रोजे रखना शुरू कर दिए थे। मैंने समझा शायद इट्स एन ऑनर फॉर मी आपको ज्वाइन करना वहां पर। बहुत मेरे असातिज़ा में से भी रफाकत अली खान साहब तशरीफ फरमा है जी, जी, और जाहिर है आप भी, मैं बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। नहीं नहीं, हम तो खुद आपको देखते हैं यार, बड़ा अच्छा आप काम करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं और हमारी बहुत दुआएं हैं आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपकी ज़िंदगी में भी आसानी के लिए कि ठहराव, सुकून और आसानी जो है वो आपको नसीब। थैंक यू सर। तो अब हमें जी हाँ ब्रेक पर जाना है या हमें गुफ्तगू की तरफ बढ़ना है? पहले हम गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। तो ताहिर भाई आपसे शुरू करते हैं, ये हसद जो है आज जो कारी साहब ने जो आयत तिलावत की है सूरह फलक और उसकी जो आखिरी आयत है, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد کے حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس کے اس جذبے اور اس کا جو اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے تو یہ جیسا آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ یہ حسد نیکیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی को आग खा जाती है। एक्सप्रेशन है और हसद जो है ये इससे फिर आगे जो चीज़ें कीना और बोझ और अदावत ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। गीबत भी उसी से निकलती है। गीबत भी उसी से निकलती है। हसद जो है ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसके बाद बोहतान तक को फिर ये जन्म देती है। ये सारी जो इंसान के बातन के अंदर और जो इसको इसकी रूह को आलूदा करने वाली चीज़, इंसान बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है दो चीज़ों का मुरक्का है, उसका जिस्म है और उसकी रूह है। जिस्म को बीमारियां लगती हैं उसका इलाज होता है। जो हमारे दिल को, रूह को और बातिन को बीमारियां खा जाती हैं उसमें हसद जो है ये बहुत कलीदी और बुनियादी है और इसकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की तारीख। वाह 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 वाह। और जब जो पहला कत्ल हुआ और उसके बाद फिर जो आज भी हमने इस पर बात की, जो सूरह यूसुफ में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया और फिर उन्होंने ख्वाब जो है बयान किया अपने वालिद ग्रामी को, तो उन्होंने कहा कि ला तक्सुस रोया का आला इख्वाती का, ये अपना ख्वाब जो है ये अपने भाइयों को बयान न करना कि वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। और दूसरी तरफ ये भाई जो हैं इनको जब मालूम हुआ कि ये हम तो बाहर कामकाज के लिए चले जाते हैं और बाप और बेटा जो है ये इस नौयत के राजो न्याज और आने वाले दिनों में इस नौयत की बुलंदियाँ और लाजमियाँ जो हैं उनको ये देख रहे हैं, तो उनके अंदर ये हसद का जज्बा फिर पैदा हुआ और फिर उन्होंने एक दिन अपने वालिद से हज़रत यूसुफ को लिया और फिर उनको कुएं में फेंका। फिर ये एक लंबी दास्तान है और इसके आगे जो है असल बात, असल मंजर और मज़र वो है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर मिस्र के तख्त पर जलवागर हुए और यही भाई जो हैं जी बुलाए, उन्होंने बुलावा लिया, उनके सामने पेश हुए, कैद साली थी जी, तो गल्ला लेने के लिए गए, तो गल्ला लेने के लिए गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनको पहचान लिया और आप चूँकि हुस्न जमाल का मुरक्का थे तो आप नकाब करते थे, भाई उनको पहचान से कासिर थे। तो जब दूसरी मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर पूछा कि तुम्हारा एक भाई था यूसुफ और इतने में आपने फिर अपना नकाब सरकाया और अपना जो चेहरा है उन, तो इस मौके पर आपने, अब ये एक दूसरी कैफियत है, एक तो ये है कि उन्होंने एक काम किया, अब उसके जवाब में जैसे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और हमारे सूफिया कहते हैं कि अगर किसी ने कांटे रखे और जवाब में आपने भी कांटे ही रख दे तो फिर अल्लाह की सरजमीन तो कांटों से भर गई, यस भर जाएगी। और फिर वो इसके आगे भी, इससे भी आगे कहते हैं कि सूफी में और एक आम आदमी में यही फ़र्क है कि आम आदमी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा है, जबकि सूफी आम आदमी के साथ भी अच्छा है और बुरे के साथ भी अच्छा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि वो तुम्हारा एक भाई था यूसुफ और इतने में उन्होंने कहा कि ओ कि हाँ यूसुफ तो आप हैं, तो आपने अब उनकी जो एक हैजानी कैफियत उनके अंदर बर्पा होने वाली थी ना उसको भांपा और फिर उसको कंट्रोल किया। हाँ हाँ आपने फरमाया यूसुफ मैं ही हूँ, वो तुमसे एक
ना जाने में एक कोताही हो गई थी, गलती हो गई थी, शैतान ने तुम्हें कहीं बहका दिया था, यानी अब आपने वहां अदावत के नए बीज नहीं बोए कि वो आप उसको वो देखो फिर एक रास्ता जो है वो निकाल दिया, फराहम कर दिया। और अब उनको ये हुआ कि अब ये पत्नी हमारे साथ बादशाह है, अभी इशारा करेगा और हमारे साथ पत्नी अभी हमें तहे तहे कर देगा, और अगर ये करे तो ये हक बजाने पे ऐसा होना चाहिए। हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया अपनी तरफ से, तो उन्होंने खत्म ही खत्म कर दिया। तो उस मौका फिर आपने जो इरशाद फरमाया कुरान पाक की सूरह यूसुफ के, ला तसरी वालेकुम अल्यौम, कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। यानी ये रवैया जो है, एक तरफ हसद, हम हसद की बात करते हैं लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अफ और दरगुजर है, जो नबी अकरम रसूल मोहतसम। हम इलाज को अगर हम पहले हम थोड़ी तरह और इसको खोल लें थोड़ा जी जी, तो फिर अगले मरले पर अगर हम इलाज, एक दूसरे आप क्या मेरी इस बात से एग्री करेंगे? मुझे लग रहा है कि इससे भी ये हाबिल काबिल के वाक़े से भी बहुत पहले, जब शैतान से ये कहा गया कि आदम खाकी को ज़रा सजदा रेज़ तो हो, और शैतान ने कहा नहीं इसकी क्या इसकी क्या मेरे उसको, उसके ज़हन में ये आया है ना कि ये शायद मेरा पोर्टफोलियो संभाल ले जी जी और मेरे जो गद्दी तो नहीं देना यहाँ, तो हर जगह पे अपना अपना वादियत का तसव्वुर है ना जी। तो उसने कहा कि ये तो फिर मेरी जो एक डोमेन है उसमें मुदाखलत होगी, और फिर उन्होंने कहा अल्लाह हम जो हैं, तो अल्लाह ताला कहीं हसद तो आया है उसमें भी, ये सारा मंजर और मजर है ही हसद, है ही हसद का, है ही हसद का। अच्छा, मैं चाहता था कि अफ़ू दरगुज़र पे हम अगले मरले पे ज़रा बात कर लें। पहले बताइए कि हमारी सोसाइटी में बस ये आया, ये जो सूरत है आपको पता है, हम आपको क्या बताऊं मैं, मतलब हम शुरू ही बेसिकली अम्मा या तसालून से करते हैं जी जी जी, और फिर उसके बाद पीछे आते हैं, फिर तो इब्तदा में ही जो चीज़ें हमें याद करा दी जाती हैं, फिर ये हमारे निसाब में भी शामिल है। बचपन से हम ये पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि जनाब और हसद करने वालियों के शर से हमें बचा, जब वो हसद करने पर उतर आए। और ये भी जो मैंने अभी आगाज़ में सरकार का फरमान शेयर किया, आपने भी शेयर किया कि हसद ऐसे खा जाता है नेकियों को जैसे आग जो है सूखी लकड़ियों को। असल में जो हसद करने वाला होता है वो दूसरे का नुकसान तो शायद बाद में किसी मरले पर करे या पहुँचे, जी जी, सबसे पहले वो अपना नुकसान कर रहा होता है, उसकी कामयाबियों को देख कर जी जी, वो उसकी रात की नींद भी ख़राब होती है, और दिन का सुकून जो है वो भी अपना वो गारत कर रहा होता है, और उसकी जो सलाहियत वो उसको गिराने में लगा रहा होता जी, है जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं कम सलाहियत अपने ऊपर सर्फ करके अपने हुनर पे सर्फ पढ़ाए पढ़ाए और बेहतर करे, तो शायद वो उसकी शख्सियत उससे ज़्यादा बन और निखर जाए। और हम सोसाइटी में ये जो चीज़ें देखते हैं कि जहाँ मैं पूछना चाहता ताहिर भाई कि हमारे यहाँ क्या वजह है कि उसके बाद हमें ये महसूस होता है वाज़े कि बहुत शिद्दत से ये जज्बा जो है हमारे इर्द गिर्द हमें नजर। बुनियादी तौर पर जो इसमें मैं समझता हूँ वो ये है कि दीन से दूरी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि शाह साहब ने अभी ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले खूबसूरत बात की कि आपने कोट बहुत अच्छा पहना हुआ है, ये रश्क है जो आपने कहा पहले। और अगर इनके दिल में ये ख्याल आए या किसी के दिल में कि यार ये इसने क्यों पहना है और ये पहन के अच्छा लग रहा है, तो चीज़ें बहुत नाजुक सा जो इसमें एक एहसास है और करीना है, तो अल्लाह किसी शख्स को जो उसने एक मेहनत से हासिल किया या अल्लाह के फजल से चीज़ अता हुई, दो ही चीज़ें हैं कि या कस्बी है या वाबी है, या इंसान मेहनत से हासिल करता है या उसकी अता से मिलता है। तो अगर तो हमारा उस पर ईमान है और मजबूत है और मुस्तहकम है, होना चाहिए, इसके बगैर अमली ज़िंदगी में भी और ईमानी ज़िंदगी में भी हम चल ही नहीं सकते आगे, तो फिर हमें अगर कोई तलब करनी है तो फिर उसी से करें, और जो अल्लाह ने इसको अता किया है उसको अता किया है उस पर भी माशाल्लाह कहकर के, जैसे उसने चाहा सुभान अल्लाह कहकर माशाल्लाह कहकर उसकी हम तो सना ही करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि कल आपकी बात बड़ी होती है, कल मैंने एक जुमला जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा, बड़ा ही शानदार, उन्होंने कहा हसद जो है वो अगर आप गौर करें और ज़रा सा भी गौर करें तो आपके सामने आ जाएगा ये अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज़ है कि भाई अल्लाह ताला ने उसने दिया ना ताहिर साहब को, इनको गुफ्तगू का वो दिया, उनको किरत का वो दिया, लहन दिया, इनको गला अता किया, अब अगर कोई हम में से ये सोचे कि जनाब ये क्यों हुआ है तो उसकी तकसीम है, उसकी तकसीम पर अगर आप एतराज़ करेंगे तो आप जाएँगे कहाँ? ये बिल्कुल ऐसी है, ऐसी हजरत मैं सच्ची बात है शाह साहब की बात के बाद आज मेरे लिए बड़ा तो मुश्किल है कि मेरे दोनों ही बड़े भाई नहीं, 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 एक इधर और इधर नहीं, नहीं, तो आपकी बातें सुनते हैं और शौक से सुनते शौक से सुनते। अच्छा शाह साहब, हसद के हवाले से एक तो बड़ा अहम नुक्ता, क्योंकि हमें बड़ी दुनिया ऐसी सुनने वाली है जो किसी सफर में है जी, प्रोफेशन के, जिंदगी के किसी भी सफर में, जो आपका हासिद होता है वो सबसे बड़ा मोतरफ होता है आपकी सिफत का जी, हकीकतन तो उसको पता लग जाता है
कि वसी शाह साहब ने रुकना कोई नहीं या किसी ने भी रुकना नहीं, ठीक, लिहाजा वो कुछ नहीं कर पाता तो हसद करने लग पड़ता। तो हमारे बाबा जी वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा एक खूबसूरत इरशाद है, आप कहते थे किसी को चाय पिलाएं ना पिलाएं, अपने हासिद को चाय जरूर पिलानी चाहिए क्योंकि वो गारंटी दे रहा होता है कि तरक्की करनी है। वाँ वाँ वाँ। अच्छा, अब इसमें सर जो हसद करने वाला है वो तो अपनी आग में जलता है, जिससे हसद कर रहा है अगर उसकी ईमान की हालत ये है कि ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे रब का फजल, उसकी अनायत है, और उसके दिल में ये कैफियत है कि उसे पता लग गया हसद करता है, वो दुआगो है, तो इसकी नेमत जरब खाएगी, भर जाएगी, अल्लाह उस पर मेहरबानी ना करे, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जो ये दुआ मांग रहा है कि या बारी ताला ये महरूम है और इस महरूमी से ये हसद कर रहा है और अल्लाह इसके लिए मेहरबानी फरमा दो और मेरा क्या कमाल है कि मेरे पास इसकी ये खूबी महफूज हो जाएगी। अब सर इस समाज में आप देखें, जो आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि इतना ज्यादा हसद क्यों है, जी जी जी, शाह साहब का इंतहाई अच्छा जवाब था अल्लाह के ईमान की कमी है। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि एक शख्स में एक वक्त में दो चीजें इकट्ठी हो ही नहीं, हाँ हाँ, एक दिल, एक ईमान वाह वाह वाह, और दूसरा वाह वाह वाह, एक दिल, अगर में दो हसद है नहीं हो सकता, बिल्कुल तो उसमें ईमान नहीं हो सकता, सुभान अल्लाह, ईमान है तो फिर हसद नहीं हो सकता। तो आप इस समाज में देखिए जहां इतना गिला शिकवा शिकायत रंजिशें हैं, अच्छा जिसका इजहार भी है, कहीं मीसने और कुन्ने भी हैं, जी 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 जी, इसकी बड़ी तादाद है जो इजहार नहीं करते उनके एक्सप्रेशन नॉन वर्बल लैंग्वेज, और थोड़ा सा अगर आप सेंसिटिव इंसान है तो आप अपने इर्द गिर्द किसी से बोले बगैर, उसको सुने बगैर, उसकी शुआओं को भी महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, आपको पता लग जाता है कि यार इसके बॉडी लैंग्वेज बहुत, एक तूफान बदतमीजी हो रहा है। शाह जब से सोशल मीडिया आया ना तो लोगों के हसद, कीना और कदूरते वहां निकलने भी लग पड़े, गालियों की शक्ल में आपको नजर आते हैं किसी ना किसी शक्ल में, है तो बड़ा सख्त जुमला हाँ। लेकिन माफी के साथ सबसे, कि हम सोशल मीडिया को टॉयलेट भी कहते हैं, सही कह रहे, क्योंकि ये वॉमिट करने की बास्केट एक है जिसमें लोग अब बक के कह के पोस्ट लगा के सख्त बात कह के कहीं ना कहीं अपने अंदर की कदूरत को, कीना को और हसद को जाहिर कर देते हैं, इससे पहले छुपा रहता था। अच्छा, एक अजीब वो होता है, बस मुझे हैरत होती है जो तारीफ को बयान तारीफ कर रहे होते हैं अपनी तरफ से तनकीद समझ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी मिसाल ले लें, ये जी शाह साहब ने देखो जी आज किड्डी तकरीर कर देने, 20 साल पहले मैं इन्होंने देखा सी मोटरसाइकिल से तो अच्छा, बेसिकली ये तारीफ है किसी भी शख्स की कि किसी ने इतना ग्रो किया माशाल्लाह, तो वो लेकिन इतना जल रहे होते हैं हसद में कि वो तारीफ की शक्ल में आपको वो कर रहे होते हैं, मतलब जी। अच्छा, अब ये सर असल में हसद से तो कोई भी आजाद नहीं है, मैंने कम अज कम जो साइकोलॉजी पढ़ी है सब्जेक्ट के तौर पर, बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटा भी एक आ जाता है दूसरे नंबर वाला, पहले नंबर वाला उससे हसद करता है, ठीक बात है, वो बर्दाश्त नहीं करता कि ये उसी माँ के पास जो मेरे इतने करीब थी, या ये वालिद जो मेरे लाड सारे मेरे से करता था और ये सारे मेरी तरफ अटेंटिव थे कि मैं पहला बच्चा हूं, ये कौन सी मखलूक आ गई जिसके आते ही सारे मुझे छोड़ के इसकी तरफ मुतवज्जो। आप सर अंदाजा लगाएं, अच्छा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वो कहता है खुदा के लिए अपने पहले बच्चे से दूसरे को बचाना है। कहीं ऐसे वाकई हैं कि बड़े बच्चे ने छोटे का कत्ल कर दिया या उसे बाल्टी में ऊपर बैठ गया या कुछ कर दिया, बिल्कुल इस हद तक ये पाया जाए। अब होता क्या सर, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं शऊर आता है, ईमान तरबियत ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको मजबूत करती हैं और आपकी आंख दूसरे की खूबी वो जो अनायत रब ने उस पे की है, आप ये भी ढूंढते हैं मेरे पे क्या क्या कर्म है, मेरे पे रब की क्या क्या मेहरबानी है, तो आप अपने आप को कहीं मुसबत रखना शुरू करते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि हसद से बचना भी एक पूरी की पूरी इबादत है और पूरी मरहमे मुजाहिदा है, मुजाहिदा ट्रेनिंग है। हसद से कैसे बचा जाए इस पर हम फिर बात करेंगे अगले मरले में आपसे भी और ताहिर भाई से भी और मोहसिन साहब से भी जरा जानने की कोशिश करेंगे मेरे, क्योंकि मोहसिन का भी ये ख्याल जरूर होगा कि सारे लोग इनसे हसद में उतना, इतना हैंडसम आदमी, इतना अच्छा गाने वाला, इतना अच्छा फनकार, और बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। और अब हम बढ़ेंगे फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब की तरफ, उनसे आगाज करेंगे। फसी भाई क्या सुनाएंगे इब्तिदा में हमें आज? मैं आपको आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के एक कलाम के चंद अशआर सुनाता हूँ। सुभानअल्लाह, बिस्मिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह
وسلم عليك يا حبيب الله وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکان کے مکین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بخدا خدا کا یہی خدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اس میں مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اسی بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہیں وہ کمال حسین حضور ہے گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں
देखो ना हुक्म मैं मनेगा ना यकीन दे मैं वेखिया अखानाल मैं मनेगा ना यकीन दे मैं वेखिया अखा ओदे हथ खूंडी यासीन दे ओदे घुंगर वाले बाल मैं मनेगा नाल यकीन दे मैं मनेगा नाल यकीन दे मैं मनेगा नाल यकीन दे मैं वेखिया अखां नाल ओदे हथ खूंडी यासीन दे ओदे घुंगर वाले असा पैरा दे सिर सुटे असा छड़े सब जंजाल असा पैरा दे सिर सुटे असा छड़े सब फरमाते हैं ओदी करी करी नौबत वजदी है ए असली गल ना अजदी है ओ मीम दी बुकल मार के गल करदा साडे यकीन दे मैं मनेगा नाल यकीन दे तू वाजिब गल ना मनेगा क्यों अपने दर नू वंडेदा जा मौजा मान प्यारेया तेरी गुदड़ी आया लाल जा मौजा मान जा
जमो जमण प्यारे तेरी गुदड़ी आया मैं मन गाना यकीन दे मैं वेखिया अखाना रफाकत भाई सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह क्या कहने क्या कहने मौसी साहब मेरी आवाज आपको आ रही है बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा मोहसिन ये फरमाइए कि जो गुफ्तगू हो रही थी आप तक पहुंची है ये हसद के बारे में जहां से हमने आगाज किया है जी जी बिल्कुल 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 बड़ी बड़ी मैं गौर से सुन रहा था जी जी बिल्कुल जी ये फरमाइए कि आपको अपनी जिंदगी में इसका हसद का सामना रहा महसूस होता है आपको कि ये इल्लत जो है इर्द गिर्द पाई जाती है और तीसरा सवाल भी यही कर देता हूँ तीनों का जवाब दीजिएगा फिर और इंडस्ट्री में आपको लगता है कि लोग हासिदीन ज्यादा होते हैं या मोहब्बत करने वाले ज्यादा होते हैं यकीनन हसद तो मुझे लगता है कि हर मकाम पर ही हमें उसका सामना रहता है वो स्पेसिफाई करना शायद मुनासिब नहीं होगा सिर्फ इंडस्ट्री के साथ मैंने जब स्ट्रगल भी शुरू की उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जहां अगर 50% जो है वो सपोर्ट में थे तो 50% जो है वो चाहते थे कि ये ना ग्रो करे जिसमें एक बड़ी 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 छोटी बात लगती है मुझे हमेशा से ये सुनने और सोचने में जिसमें बड़ा अलमिया है ये हमारा कि पंजाब सिंध और जो सूबों में एक बंटवारा कर दिया जाता है वो टैलेंट का भी वो बड़ा अफसोसनाक लगता है हमेशा मुझे तो उसका भी मैं कहीं ना कहीं मुझे उसका सामना रहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही हासिल है और क्या ही हम पालेंगे इस सबसे मैंने एक नज्म लिखने की गुस्ताखी की थी आपकी इजाजत से बिस्मिल्लाह उसका बिस्मिल्ला, उसके दो मिसरे थे कि है तकब्बुर अगर पूरी याद है मोहसिन चार खबरों में मोहसिन पूरी सुना दो अगर पूरी याद है तो जी जी सर मैं बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको पूरी सुना सकूं मेरे पास शायद इस फोन में हो उसका उन्वान था सर खोखले खोखले ठीक है वाह वाह उस नज्म का उन्वान था खोखले और वो मैंने इसी मौजू पर लिखी थी क्योंकि मुझे ये रवैये देखने को जब मिलते थे अपने इर्द गिर्द अपने ही अहबाब में अपनी फ्रेटर्निटी में तो मुझे बड़ा अफसोस होता था बड़ा दुख होता था देख के इस तरह के रवैये तो मुझे लगता था कि इसकी क्या वजह है और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि हम जो है वो आपस में ही इतने यू नो एक तरीका होता है कि आप एक तो जो आपने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि खुदा की जो तकसीम है उससे इख्तलाफ करना शाह साहब ने भी बड़ी उस पर सहर हासिल है गुफ्तगू की मैं बस वो ढूंढ लूं खोखले के उन्वान से है मेरे पास क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी ऐसी ही है और उसमें जो खामियां होंगी उसकी पहले मैं माजरत कुछ बातें मोहसिन इंसान को भूल ही जाना चाहिए जिंदगी में ठीक है मोहसिन आप ये ढूंढिए मैं इतनी देर जैसे ही आपको मिल जाए मैं ढूंढ चुका है ना ढूंढ बिस्मिल्लाह फिर जी 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 बिस्मिल्लाह अच्छा मेरे तमाम जो काबिले एहतराम वहां पर लोग बैठे हैं उनसे इजाजत के साथ खोखले के उन्वान से थी और वो कुछ यूं है कितना अच्छा हो कि हम झुक जाएं वाह कितना अच्छा हो कि हम झुक जाएं कोई हंसकर बुलाए रुक जाएं वाह ऐसे भी मार के क्या मार लिए कौन से झंडे तुमने गाड़ लिए वाह वाह ना ही सरकार अभी सोने में तर निकले हैं नहीं सरकार अभी सोने में तर निकले हैं गौर कीजिए तो न सुरखाब के पर निकले हैं वाह वाह जाने किस बात पे इतराए मियां फिरते हो कैसा पत्थर का मुंह बनाए मियां फिरते हो है तकब्बुर कि तुम आते हो चार खबरों में वाह वाह अरे तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं खबरों में अल्लाह अकबर बहुत अच्छे फिर पढ़िएगा है तकब्बुर कि तुम आते हो चार खबरों में तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में बेशक बेशक तो मैं इस मौजू पे बहुत
बहुत ज्यादा सोचता हूं कि इन सब का हासिल क्या है। अभी जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क में बहुत नामवर शख्सियात जो हैं उनका दो दिनों में इंतकाल हुआ जी जी, और मेरे जैसे आर्टिस्ट को यही सोचना मेरे ख्याल में चाहिए, और हम सबके लिए बड़ा एक फ्रेंडली रिमाइंडर है उन हासदीन के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं कि हाँ जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो खुदा की अता है। और ये एक बड़ी अलार्मिंग बात होती है कि हम उस पर गौर करें और गौर फिक्र करें कि अच्छा हम भी क्या ही हासिल कर लेंगे, हम हसीन तरीन जहीन तरीन और कामयाब तरीन होकर भी एंड पर मर ही जाएंगे, तो फिर इस सब में क्या रखा है। ठीक है मोहसिन, आपको कैसे अंदाजा होता था? मसीह भाई मुकम्मल कीजिए, मुकम्मल कीजिए आप प्लीज, मुकम्मल कीजिए। मेरा मेरी मुख्तसर सी एक गुजारिश ये थी कि मेरा ये बड़ा मानना है कि जब भी कोई दाद मुझे दी जाती है मेरे, चाहे वो कलाम के हवाले से हो, लिखे के खुशगुलू होने के या किसी भी फन के हवाले से, मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि मैं उसका उसको रिस्पांस कैसे दूं, क्योंकि अगर मालिक अता न करना चाहे तो चाहे हरूफ हैं मेरे दिमाग की बंजर जमीन पर ना उतारना चाहे तो वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैं बावजू होकर रब्बे जिदनी इल्मा की तस्बीह कर खुदा से मांगता हूं दुआ में कि मुझे ये अता कर दें तो वो मुझ पर इनायत करें, और तब भी उनकी रजा हो तो वो अता करें। तो मेरे में तो ना कोई गुण है ना कोई सलाहियतें हैं, तो सब खुदा की देन है, वो जब चाहे ले लें, जब उन वो चाहे दे दें, तो मैं तो बेबस हूं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मेरे हासदीन से भी किसी किस्म का कोई खौफ है कि वो किस चीज से हसद करेंगे मेरी। मेरा तो वो देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। क्या कहने, क्या कहने, बड़ी उम्दा आपने बात की और बड़ी क्लैरिटी है आपके थॉट्स में इस हवाले से कि अल्लाह ताला जो अता करता है सब कुछ बेसिकली उसी की जनाब से है, मैं ना ही सब तू। ये मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे मोहसिन अंदाजा होता है आपको कि अगर ये तारीफ की है किसी ने नज्म की या गाने की या आपकी होस्टिंग की या फिल्म की किसी सीन की, तो ये उसने दिल से की है या ये है कि जल के कुछ उसने कहा है? कैसे हसद की तपिश को कैसे महसूस करते हैं आप? वजी भाई ऐसा है कि बस कुछ जहां गर्दी, कुछ असाज़ा और बुजुर्गों की सोहबत में रहने से कुछ सीखा और जाना के रवैये और अंदाजे गुफ्तगु, अल्फाज का चुनाव और लहजों के उतार चढ़ाव जो हैं, उससे आपको कैसे अगले की तबीयत और उसके उसकी नियत जो है उसका अंदाजा हो जाता है। तो बस इस तरह मैं जान लेता हूं या जांच लेता हूं। जांच लेते हैं, ठीक है। कुछ कैसे जुमले सुनने को मिलते हैं, चूंकि मौजू ही हमारा हसद है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि यार है बड़ा यानी कि भस्म हो रहा है बहुत, अनुआग लगी है साड़ा। जी 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 के किस किस्म के जुमले सुनने को मिलते हैं? जैसे जैसे शादी ने भी अभी कहा कि जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत अजीब एक जगह बन चुकी है बुलिंग की। पहले हम सुना करते थे स्कूल में रैगिंग होती है या आप कॉलेजेस में जाते हैं तो बुलिंग की जाती थी, अब सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिसपे हर बंदा जो घर पे बैठा है, जिसके पास फुर्सत है और जिसके पास फुर्सत काम करने को नहीं है या कंस्ट्रक्टिव काम जी नहीं और कंस्ट्रक्टिव काम करने को नहीं है, तो वो यकीनन सोशल मीडिया पे बैठ के, तो अच्छा इंटरेस्टिंगली मुझे बहुत से लोग कहा करते थे पर्ची है, तो मैं उस पर सबसे ज्यादा मुस्कुरा दिया करता था कि और बहुत, क्योंकि लोगों को लगता था कि मैं मजाकरात से जो है मेरे करियर का आगाज हुआ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इट्स बीन 14 years, 14 साल की रियाजत है, 10 साल की कराची में अकेलापन है, फाके हैं और सड़कें छापना है और यू नो वो सारी एक नहीं, जिस जमाने में आप कड़ी मेहनत है, डीजे हैं, खुदा की ब्लेसिंग्स। म्यूजिक चैनल पे आप और गालिबन मानी शायद किया करते थे प्रोग्राम वो डीजे वाला, हम तो उसको भी बड़े शौक से देखते थे और आपका पोटेंशियल उस वक्त भी नजर आता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो मैं, मुझे मोहसिन आप इजाजत दीजिए, यहीं से हम वापस आते हैं, यहीं से वापस आएंगे। और रफाकत भाई बड़े मुस्कुरा रहे थे वो हसद वाले मेरे सवाल पे, पता नहीं किस बात पे, तो रफाकत भाई से पूछने की कोशिश करेंगे कि जो घराने हैं हमारे, शाम 84 है, पटियाला है, इधर भी कहीं इस किस्म की कोई वो रही है, हमेशा दादी मिली है दूसरी तरफ से, ये भी रफाकत भाई से बात करेंगे। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। ताहिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, एक ऐसा मौजू है हमारे पेश नज़र जिसका सबका ये कहना है कि सबको इसका सामना रहता है और वो है हसद। खुश किस कदर सैरोफ़दार के हैं सभी मुंतज़र, इस महीने में नाज़िल हुआ कुरान, सब महीनों में अफ़ज़ल हमारे रमज़ान, बरकतें ही बरकतें हैं, रब का है कितना करम।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार दोबारा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रज़ा बुखारी साहब, मोहतरम कासिम अली शाह साहब, रफ़ाकत अली खान साहब, मोहसिन फैसलाबाद से ज्वाइन किया है, और फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। मैं फसी भाई की तरफ बढ़ूँगा। फसी भाई, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दीजिए, चूँकि रफ़ाकत साहब बहुत हंस रहे थे और जब मैंने वो हसद वाला सवाल किया, फिर मैंने से पूछा ये जो घराने होते हैं इनमें भी आपस में रश्क होता है या क्या होता है, तो रफ़ाकत भाई ज़रा बता दीजिए। जी वसी भाई, थैंक यू। बिल्कुल होता है, एक कंपटीशन के तौर पे होता है। लेकिन एक यहाँ पे छोटा सा वाक्य मैं जल्दी जरूर जल्दी ऐड करता हूँ, आपका टाइम है सर। उस्ताद सलामत अली खान साहब से किसी ने कहा कि मेरे साथ मुकाबला करो, बहुत बड़े वो भी गवैये थे, हम तो सबके गुलाम हैं जितने बड़े गवैये पटियाला वाले किसी भी घराने से हो, ये पटियाला से नहीं थे, ये किसी और घराने से थे। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मुकाबला करो। सलामत अली खान ने वहाँ पे एक कॉपी पड़ी थी, वहाँ पे कुछ लिखा और उनको थमा दिया। उन्होंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे बहुत छोटा गवैया हूँ और मैं सलामत अली खान ने लिख के दिया उनको, और नीचे अपने साइन भी किए, और प्लीज़ आप इसको अपनी जेब में रख लें, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी, क्योंकि हर आदमी को पता होता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है और वो किस कैपेसिटी में रहता है। लेकिन वो अपने आप बड़ा आदमी कर सकता है, हाँ ये बड़ा आदमी, लिख के दे दिया उनको। तो ये मैंने उनके अंदर, और एक और उनमें बहुत बड़ी खूबी थी कि हम सब बच्चों को, वो सबको सुनते थे, जो भी घर में आता था, क्योंकि हमारे घर म्यूजिक का माहौल था, जो भी चल भी तू भी सुना तू भी सुना, फिर एंड में खुद गाते थे। अब यकीन करें उन बच्चों के रोजगार लग गए, क्योंकि सारे स्कूल नहीं जाते, सबकी एजुकेशन नहीं होती। वो कहते होते थे कमिश्नर बनना है तो मत गाना, ब्रिगेडियर बनना है तो मत गाना, क्लर्क बनना है तो गाना बेहतर है। वो बात करते थे कि छोटे लेवल पे ना जाओ, चाहे मजार करो, गा के 500 रुपए ले आओ, लेकिन म्यूजिक करो। मैं उनको कहता था कि मेरा गाना थोड़ा है, कहते थे थोड़े को ठीक कर लो। वाह वाह, जो करो उसको ठीक, ज्यादा गाने की क्या जरूरत है, वाह वाह वाह, इतना क्या करना है गा के। बहुत अच्छे, जो करो इसका मतलब ये हुआ उसको ठीक तरीके, ठीक तरीके क्या कह रहे। ये बताइए आपके यहाँ किस स्टाइल से जुमले सुनने को मिलते हैं, हमें तो पता है लेकिन जैसे तारीफ कर देते हैं। हाँ जी, किस तरह से जुमले सुनने को मिलते हैं जो आपको पता लग जाता है कि हसद ही जन्ने जनाब जल के किया। हाँ जी, ये जो हमारी गाने वाले लोग हैं, स्पेशली जब क्लासिकी मौसीकी होती है तो उसमें से दाद तब मिलती है जब बेसुरे होते हैं। ठीक है। अरे वाह खान साहब क्या बात है, अरे सुभान अल्लाह क्या अच्छा आपने सुर को देखा, और वो गवैयों को पता होता है मैं बहुत बुरा कर गया, तो वो उसका वो जस्टिफिकेशन, वो के अंग्रेजी में कहते हैं इफ वी लिसन टू वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियंस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एंड व्हाट वी शुड, हमें कॉन्शियंस को सुनना होता है। वाह वाह, तो वो दांत वहां पे मिलेगी जहां पे आप गड़बड़ सुर का की गाया था। वाह वाह वाह, और वो देते रहेंगे दांत, देते रहेंगे जब। और सलामत अली खान कहते होते थे, बहुत कमाल की बात है कि यार तुम गा के आए हो, वहां कोई रोया था? वो कहते जी दो चार लोग रोए थे, कहते फिर तुम सही गाया, सही गाना गा, ठीक है, क्योंकि गाने का ताल्लुक दर्द से, दर्द है, नहीं कोई वट्टा बज जाए, तोड़े कोई पत्थर लग जाए, कोई गड्डी बज गई, दर्द का मतलब है अल्लाह की मोहब्बत, जब तक दिल में नहीं होगी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। क्या कहने रफाकत भाई आपको, आपसे गुफ्तगू करके हमेशा बहुत अच्छा लगा, आपके मानने वालों में बड़ी बड़ी इज्जत भाई, जज़ाकअल्लाह। क्या कहने, क्या कहने फसी भाई, आपको भी इस मसले का सामना रहा है अपने इर्द गिर्द, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कम्युनिटी में या आपकी फ्रेटर्निटी में, लेकिन ये जो हसद का मामला है, आप बहरहाल एक बड़े काबिल और पढ़े लिखे आदमी हैं, इतना पढ़ते हैं, आपने कैसे महसूस किया इस इल्लत को, इस मामले को अपनी अपने इर्द गिर्द? वसी शाह साहब, एक तो आपके सेट पर जो मुख्तदर शख्सियात बैठी हुई हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि किसी एक इंसानी शोभा जुमला आया है, सुन ही लीजिए, आपने मुख्तदर शख्सियात कहा तो मेरे जहन में आ गया, मैंने कहा इमरान खान साहब ने लेके आए तो कह रहे मुख्तदर शख्सियात जी बिस्मिल्लाह, मैंने कहा कह ही दूं मैं जी। ताहिर बुखारी साहब है कासिम शाह बेशक वो मुख्तदर जो कि खास मानों में इस्तेमाल होता है खासतौर पर न्यूज चैनल, इसलिए मैंने कहा प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। यानी इंसानी जिंदगी का कौन सा ऐसा शोभा है जिंदगी है कि जिसके अंदर हसद नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो आपको हाँ, भी हर शोभे में हसद है, और मैं कहता हूं कि मजहबी तबके के अंदर भी उलमा में भी हसद है, नाथानों में भी हसद है, मुशायख में भी हसद है, हसद है और वो नजर आता है। ठीक है, आप जाती तौर पे कैसे, यानी कि आपका अपना तजुर्बा क्या है और आपका मशवरा क्या है कि खुद कैसे, अगर कभी कोई ऐसा जज्बा अगर आया आपके उसमें, अगर आया और अगर नहीं आया तो आप क्या मशवरा देंगे, कैसे इससे दूर रहा जा सकता है?
میرے والد صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو قناعت اور توکل علی اللہ یہ انسان کو حسد سے دور رکھ سکتا ہے. واہ 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 واہ, قناعت اور توکل علی اللہ, سبحان اللہ, اللہ کے اوپر توکل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, چونکہ جب آپ زہد میں چلے جائیں گے تو آپ کو تکلیف ہی کیوں نہیں ہوگی, جب آپ کو کچھ چاہیے ہی نہیں سوائے اس کی محبت کے, اور زیادہ آپ کو پیسہ نہیں چاہیے, روپیہ نہیں چاہیے. بڑی اچھی ویسے کمال بات کی بزرگوں نے. طاہر بھائی آپ پلیز اس پہ, بڑا طویل ان کا کیا بات کی یار, دو جملوں میں, دو لفظ میں کیا بات ہے. آپ کی وساطت سے شاہ صاحب کی مزاج پرسی بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں. پچھلے دنوں اریل رہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے رکھے. ہماری نعت گوئی اور نعت خوانی کا ایک منظر نامہ ہے, اس میں ایک بہت وقیع جاندار اور شاندار نام ہے, اور جو ان کی بڑی خوبی ہے یہ ہے کہ یہ جو آپ جیسے کسی نے کہا تھا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان, ہمیشہ جھکے ہوئے اور پیچھے ہوئے, اور کلام کا انتخاب کیا تو عمدہ کیا اور پڑھا تو بہت عمدہ پڑھا, سبحان اللہ. اور پھر یہ جو سادات ہوتے ہیں ان کے لیے حسد کے سوتے کہیں اور سے ٹوٹے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا ناظرین, بڑی اعلیٰ بات کی. میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ, توکل اور قناعت. حضرت نے فرمایا, فصیح صاحب نے, کہ ان کے والد صاحب کہتے تھے توکل اور قناعت. اگر آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو پھر آپ کو بالکل جیلسی نہیں ہوگی کہ کوئی زیادہ اچھا, کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے, کسی کے پاس حسن زیادہ ہے, کسی کے پاس مال و دولت ہے, کسی کے پاس پوزیشن ہے, چونکہ آپ کا توکل اللہ پہ ہے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے قناعت آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے تو بھی آپ حسد سے دور ہو جائیں گے. اس کو بھی آپ گرا سے باندھ لیجیے, یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے حسد سے دور رہنے کا. فصیح بھائی کیا آتا ہوگا؟ میں حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے چند اشعار سناتا ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, قدم سے لائی ہے, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول, کہاں کہاں لیے بلائے لوں صلی علی کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سو رسول, کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سو رسول, کہاں کہاں لیے تلاش نقش کفِ پا کی قسم, چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو رسول, چنے ہیں آنکھوں سے شگفتہ گلشن
شگفتہ گل علی ہے کسی میں بوئے رسول کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بوئے رسول کہاں کہاں لیے عجب تمام سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول عدم سے لائی ہے سبحان اللہ. کیا کہنے فصیح بھائی کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے فصیح بھائی, کیا عمدہ کلام, کیا عمدہ طریقے سے آپ نے پڑھا ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کا اقبال بلند کرے. اب محسن صاحب ہیں ہمارے پاس, ہمارے ساتھ. جی جی فصیح بھائی, بہت بہت شکریہ آپ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے, لیکن آپ نے ہمیں تقریباً روزانہ جوائن کرنا ہے فصیح بھائی. انشاءاللہ میں نے تقریباً اس لیے کہا کہ ایک آدھ دن آپ کو, یعنی کہ ہم رخصت جو ہے وہ اس کی وہ دے دیں گے, ریسٹ دے دیں گے جسے کہتے ہیں, ورنہ آپ نے روزانہ ہمیں وقت دینا. جی 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 بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. محسن بھائی, محسن صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا محسن, یہ فرمائیے کہ اتنی کم عمری میں آپ نے ماشاءاللہ اتنی منزلیں طے کی, کامیابی کی, دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن زندگی میں بہت سارا اتار چڑھاؤ آپ نے جلدی دیکھ لی ہے. بہت یعنی کہ سٹرگل کا دن تھے وہ زمانہ, جس زمانے میں آپ مانی کے ساتھ اور کام کرتے تھے, پھر فلمیں, یہ وہ. اس پورے سفر میں مڑ کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ زندگی کا مشکل وقت کون سا گزرا آپ کا؟ شاہ جی, پہلے تو میں آپ کی اجازت سے فصیح صاحب کے لیے دو لفظ ضرور کہنا چاہوں گا. ضرور ضرور ضرور. فصیح الدین سہروردی صاحب, میں ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں, اور میں نے اپنی زندگی کی جو سب سے پہلی نعت پڑھی اور ریکارڈ کی وہ تھی وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. کیا اور وہ فصیح الدین سہروردی صاحب کے ہی جو انہوں نے پڑھی تھی, انہی کا انداز تھا اور انہی سے جو پڑھا ہوا تھا یوٹیوب سے میں نے اشعار لیے. جی, یہاں ایک اجتماعی درخواست جو ہے وہ آئی ہے آپ کے, وہ میں پیش کر دیتا ہوں. سب کا خیال ہے کہ پہلے آپ وہ نعت کے کچھ اشعار سنا دیجئے, پھر اس سوال کی طرف آئیے گا, مشکل دور کی طرف, اگر یاد ہے تو. میں تو کہنا چاہ رہا تھا کہ فصیح الدین سہروردی صاحب سے میں سن لوں آج, میں اگر ان کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں تو. فصیح بھائی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ؟ فصیح بھائی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ؟ فصیح بھائی اس میں رخصت ہو گئے ہیں. اچھا اچھا اچھا, لیکن یقین ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس کا. آپ سب کی اجازت سے. جی 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 جی, بسم اللہ. وہ سوئے لالہ زار پھیرتے ہیں, وہ سوئے لالہ زار پھیرتے ہیں, تیرے دن بہار پھیرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھیرتے ہیں,
मांगते साजदार हे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे शैदा हजार फेरते हैं तुझसे शैदा हजार फेरते हैं वो सुए नालाजार फेरते हैं। क्या कहने मोहसिन, जजाकल्ला। और बाकी तो सबकी दाद है ही है, लेकिन रफाकत अली खान साहब ने आपको बहुत दाद दी है, मैं आपको बता दूं। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गुस्ताखियां माफ सर, जो भी क्या थोड़ी बहुत। अच्छा मोहसिन, मेरा सवाल कि कौन सा दौर पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुश्किल का दौर लगता है आपको? शाह जी, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कुछ चीजों पे। मुझे लगता है कि सब स्क्रिप्टेड है, और मेरे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने, कभी मुझसे लोग पूछते हैं ना कि आपको किसी चीज पर रिग्रेट, जब आप पलट कर देखते हैं, मुझे क्यों रिग्रेट होगा, जब लिखने वाला जो है मेरा उस पर तवक्कल इतना मजबूत है, और मैं बिल्कुल तैयार रहता हूं हर वक्त कि ये सब जो होने वाला है, जो हो चुका है, वो ऐसे ही मेरे लिए चुना गया था। तो मैं बड़ा मुतमईन हूं अपनी जिंदगी के हर लम्हे से, अपनी जिंदगी के हर पीरियड से, अपनी जिंदगी की हर मुशक्कत से, कि ये ऐसे ही लिखी थी और इसका रिवॉर्ड मुझे ऐसे ही मिलना था। तो मैं मैंने कभी भी, जब भी ऊपर देखा आसमान में, या पलट कर अपनी इधर भी देखा कि खुदा को जहां जहां मैं देख सकता हूं वहां वहां देखा, तो मैंने उनको मुस्कुराकर ही देखा और उन्होंने पलट कर मुझे मुस्कुराकर ही देखा। ये मेरी एक नाकिस सी एक इमेजिनेशन है बहैसियत इंसान। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी मुश्किल दौराहे से गुजर रहा हूं, ये बहुत कठिन है मेरे लिए, मैं इसको कैसे पार करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बड़ी बचगाना सी बात में लगती है मुझे, लेकिन हाँ, मेरे जहन में एक बचपन की या एक लड़कपन की इमेजिनेशन है। मुझे लगता था कि मैं एक वीडियो गेम का हीरो हूं जिसको टास्क दिए जाते हैं, और जब वो स्टेज पार करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, कॉइन्स मिलते हैं, या हर जिस भी नौयत का उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो मैं उसी तरह से हर स्टेज को पार करता हूं, और अल्लाह पाक मुझे उस स्टेज को पार करने के बाद एक रिवॉर्ड देते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूं अपने अंदर, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी बहुत दिक्कत से, या पलट कर भी देखूं तो ऐसा कोई मुश्किल वक्त दिखाई दे। ठीक है, लेकिन पलट कर जब आप देखें, कौन सा ऐसा दौर है जिसको आप डिलीट मारना चाहेंगे, अगर आपको चॉइस दी जाए कि यार ये चलो निकाल दो इसको, इसको भूल जाओ? मैंने 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 गुजारिश की कि कोई भी नहीं है मुझे, मैं कौन होता हूं डिलीट करने वाला उस स्क्रिप्ट को कि जो मालिक ने लिखा मेरे लिए, सुभान अल्लाह, मेरे खालिक ने लिखा, जिसने तख्लीक किया मुझे। हम आप इस चीज को बड़े बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप एक नज्म को तख्लीक करते हैं तो नज्म की क्या मजाल कि वो आपको डिलीट कर दे या आपके लिखे को रद्द कर दे। वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि कोई भी जब मुश्किल दौर आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इर्द गिर्द के साथियों का रवैया है वो कितना सपोर्टिव होता है या कितना तकलीफ देता है? हाँ, ये एक इंसानी सतह की बात है, तो इस पे मैं जरूर, क्योंकि देखिए जब भी ऐसा कोई वक्त आता है, मुश्किल वक्त में ही आपको पता चलता है कि कौन आपकी सफ में जो है वो आपके अग्यार खड़े थे और कौन आपके सामने आकर खड़े हो गए मुश्किल वक्त में, और जो बचते हैं, जो छन्नी में छन जाते हैं, जो ऊपर रह जाते हैं, फिर वही आपके कीमती और असल जो दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, और लाजमी नहीं है कि वो तमाम रिश्ते जो है वो खून के ही हों, तो उनके रवैये बिल्कुल आपको याद रहते हैं जब जब मुश्किल वक्त आते हैं। तो मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं एक बड़ा मुतमईन आदमी हूं इस हवाले से कि मेरा तवक्कल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत रहा हर दौर में। तो मैं मुतमईन होकर बैठकर देखता हूं सिर्फ पर्दे हटते हुए चेहरों से, और मैं उसको एंजॉय करता हूं। ठीक है, ये जो रवैया है हमारा मोहसिन, कि हम किसी कोई भी फौरी फैसला जो है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे इर्द गिर्द मिलने वाले हों, किसी भी चीज़ के बारे में हम ए या बी, दो इख्तलाफी अगर लोग हों, उनकी राय लेने के लिए बगैर ही फौरन फैसला सादिर फरमा देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल यकीनन
सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर एक अपनी अदालत लगती है जो आपको मुजरिम या आपको बेचारा करार देने में बिल्कुल मिनट नहीं लगाती जी जी। और ऐसा बिल्कुल होता है और मैं समझता हूं कि और जो हमारी सहाफत है मुझे उससे भी थोड़ा इख्तलाफ है कि उसमें भी बहुत से ऐसे सहाफी या बहुत से ऐसे चैनल्स या बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स अब जो मॉडर्न दौर आ गया है हमारा वो आपसे आपकी राय लेने की गवारा नहीं करते ही नहीं है तकलीफ ही नहीं करते हैं और जी गवारा नहीं करते और उस खबर को बगैर तस्दीक के चलाने में वक्त नहीं लगाते क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज का दौर है और हम सब एक रेस में लगे हुए हैं। अच्छा ये जो रवैया है ये जो रवैया है बगैर राय लिए और अपने तौर पे एक फैसला या अपने तौर पे किसी नतीजे पर पहुंचकर उसको नशर कर देना या राय दे देना किसी का ये कितनी तकलीफ पहुंचाता है लोगों को उनकी जिंदगियों में कितना नुकसान होता है इससे? सर उसका नुकसान इतना होता है कि जो लोग हैं जो देखने वाले हैं उन तक जब हकायक नहीं पहुंचते तो जो आप उनको दिखाते हैं उनको वही सच लगने लगता है। तो जो जिस शख्स के बारे में वो बात की जा रही है उसको अपना धोना धोने में मुद्दतें लग जाती हैं, उसको अपनी सफाइयां देने में जो है वो उम्रें बीत जाती हैं। तो आपको जिम्मेदाराना मुजाहरा करना होगा क्योंकि आप भी जवाबदेह हैं, अगर अपने मालिकान के नहीं तो अपने उस मालिक के जरूर जवाबदेह हैं जो गलत बात फैलाने पर आपको जो है जो सजा आपके लिए मुतय्यन करेंगे शायद फिर आप वो सह नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं मोहसिन हमारे साथ रहिएगा, कुछ हल्के फुल्के सवाल भी आपसे करने हैं, फिर कॉलर्स भी हमने जो है वो भी लेने हैं। हमारा नंबर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे बल्कि नंबर जो है वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, फेसबुक का एड्रेस भी सुपर इम्पोज होना शुरू हो जाएगा, आप फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। कोई फिकही मसला है तो आप ताहिर भाई से बात कर सकते हैं, कुछ और आपने बात करनी है तो आप शाह साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर अहमद साहब हमारे पास कहाँ से तशरीफ लाए? पाकपतन शरीफ से, क्या कहने डॉक्टर अहमद साहब? जनाब डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या क्या कहने बाबा साहब की सरजमीन से तशरीफ लाए आप? सर जी मेरा ये मुझ काबिल कहा कि मैं हूँ हजूर बाबा साहब गणशकर की बारगाह करम से अर्ज करने के कुछ काबिल हूँ। मैं तो सिर्फ आपके इस करम बख्शी से ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि रोजा हमें टॉलरेंस सिखाता है। जी बेशक, रोजे का मतलब है अपने आप को रोक लें। तो ये जो इस वक्त हम कोरोना के इससे चैलेंज से गुजर रहे हैं तो क्या ही बेहतर हो कि हम अपने आप को रोक लें। क्या अच्छी बात है, दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, यू कैन नॉट बिलीव कि वो कितना डेंजरस है। हम रवायती जंग में तो अपने दुश्मन के हथियार को समझते हैं कि वो किस तरह के वेपन में वो होगा, नजर आता है। बिलीव करें कि ये ऐसा दुश्मन है कि हमें उसकी दाएं बाएं का नहीं पता, आगे पीछे का नहीं पता, उसकी अभी तक वायरल आइडेंटिफिकेशन तक का नहीं अंदाजा हो रहा। तो इसलिए ये रोजा हमें सिखाता है कि हम अपने आप में सब्र से अपने आप को रोकें, अपने आप को अगर कंटेन करें, अपनी जात को कंटेन करें। एक छोटी सी बात है कि पेट की भूख से मिटता नहीं कौमों का वजूद, पेट की भूख से मिटता नहीं कौमों का वजूद, फिक्र का कहत मगर मुजबे बर्बादी है। क्या क्या बात यह है कि ये रोजे में अल्लाह ताला ने हमें एक स्पिरिचुअल और जो एक बॉडीली हमें ट्रेनिंग दी है उससे हम ना सिर्फ अपना तबई निजाम दुरुस्त रखते हैं, हम अपनी जान को हम अपने मुसलमानों की एक जो जान है बेनिफिशियल जो पॉपुलेशन उसको बचाए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा उमदा आपने राय दी, अपने ख्यालात का इजहार किया। यकीनन लोगों लोग इस पे अमल कर भी रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत, और यकीनन आपकी बात से भी लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। ये जो हसद है क्या ये भी इग्नाइट करता है झूठ को कि मैनु पता है कि नहीं पता है लेकिन मैं ताहिर रज़ा बुखारी साहब के बारे में गल हसद की वजह से फ़ौरन फैलाई, फ़ौरन मैंने वो किया ना, उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया, सोशल मीडिया पर फैला दी, पोस्ट कर दी, अपनी राय दे दी, ये भी कहीं पीछे होता है? नहीं, ये 100% है क्योंकि ये उसके अंदर जो एक दबा हुआ जज्बा है उसको आवाज़ और अल्फाज मिल रहे होते हैं और फिर वो उसको ले कर घर घर जाता है कि उसमें उसकी तमानियत एक हो रही होती है। जी जी ठीक, सेडिस्ट रवैया है ना ये, सेडिस्ट रवैया। और उसमें वैसे एक पुराने बुजुर्गों का एक और भी ख्याल होता था, वो लोगों को दुआ दिया करते थे, कहते थे अल्लाह करे तू महसूद हो, महसूद जिससे हसद किया जाए। तो हसद जिससे होता है जैसा शाहजी ने फरमाया कि जो हसद करने वाला होता है वो बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो उसका मोतरफ होता है, उसकी खूबियों का, उसकी क्वालिटीज़ का एतराफ़ करता है। पुराने दौर में जब जो बसों के पीछे लिखा होता था कि मेहनत कर, हसद न कर, हसद न कर, तो ये हमारे यहाँ जज्बे, एक तो ये भी होता है बाज़ुकात के इकट्ठे आप
एक ग्रुप चल रहा होता है, जी जी, उसमें से कुछ आगे निकल जाते हैं, एक उनमें से आगे, तो पीछे रह जाने वाले हैं, जी जी जी, फिर उनके लिए वो जैसे अभी ये मोहसिन भाई ने शायद कहा है या किसी ने, शायद आपने कहा है, ऐसा साढ़े नाल थे फिर हाँ जी हाँ जी, मैं सबके साथ ही होता है। अच्छा दिलचस्प बात है कि उसकी तमाम तारीफ होती है ये बात कि यार पहले साइकिल पे था, अब हम सब नहीं सुने, मैंने भी बहुत सुने, इन्होंने भी यकीन सुने होंगे, हुजूर मेहनत कर हसद ना कर। ये सर वैसे कभी कभी तो हैरत होती है कि हमारा समाज कहाँ खड़ा है कि ये खोती रेड़ी के पीछे भी लिखा होता है सर, और ये रक्षे वाले ने भी लिखा होता है सर, उसको भी जूती लटकानी पड़ती है, इन्हीं के गधे वाले से भी हसद करने वाला जो निस्बतन माशी लिहाज से कमजोर है, उससे कोई कमजोर होगा या उससे भी कोई खासियत बर्दाश्त नहीं मौजूद होगा। दूसरा उसमें ये भी है ना कि वो एक अपनी डोमेन और एम्पायर में जा रहा है, वो तो उसमें बहुत खुश है, उसके पास सवारी है, जिदे कोल यानी कि एक सवारी है और जिदे को सिर्फ रेडी है वो तो हसद करेगा ना, हसद करेगा। एक सर ये भी एक पहलू है कि जो बचने का हुक्म है या मतलब अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जी जी, जो क्राइम अगेन साइकोलॉजी ऑफ क्राइम है, क्रिमिनोलॉजी, वो एक बड़ा मज़े का सर इस पे जवाब देती है कि जो हसद है वो इंसान को किसी हद तक लेके जा सकता है, किसी भी हद तक लेके जा सकता है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि वो अब इसमें किसमें है। बाज लोग हसद होता है उनको, हसद से उनके अंदर एक जलन होती है, तकलीफ होती है, कटन होती है, यहां तक कुछ लोगों को हसद होता है वो उसका इजहार नॉन वर्बल करते हैं, ठीक है, वो कई खानदान के ऐसे लोग हैं वो मुंह बना के बैठे होते हैं, ठीक है, तुसी उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़िया होता, अच्छा ठीक है, वो मुंह बना के बैठे रहते, सलाम के टाइम ते मुंह उधर कर लेंगे, जवाब नहीं देंगे, राबता नहीं करन दे, व्याह ते नहीं आन दे, या व्याह एक मखसूस दिन ते रुसन दे, हां जी खास उन्होंने को हड़गड़ रुसन वाले भी बेशुमार ऐसे लोग ने। अच्छा फिर बंदा बच्ची भी आया कि मामे नु मनाया, ये तो एक जुमला बड़ा अच्छा कहा जाता है कि सारी दुनिया में जब शादियां आती हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, हमारे यहाँ फूफियां मनाई जाती हैं, तो ये कहा जाता है बहुत सारी फूफियां ने नाराज करना है, मेरी फूफियों से मेरा बड़ा लाड और प्यार है। अच्छा अब इसमें सर अगली डोमेन है वो है सर, बाज लोग फिर इजहार करते हैं जुबान से, ठीक। अच्छा एक और काम भी है, साजिश करते हैं, कुछ लोगों का काम होता है वो एक दूसरी लॉबी को किसी मुंह फट को ढूंढते हैं, कुछ ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो मुंह फट है, ठीक है, बद लिहाज है, उसको वो माचिस की तीली लगाते हैं कि तू क्या। अच्छा फिर एक अगला दर्जा आ जाता है कि वो अपना हाथ हथकंडा कोई बनाते हैं ऐसा, और यहां तक के वो जान लेना चाहते हैं, यानी किसी भी हद तक हसद होता है कि वो चाहते हैं मर जाए, इस हद तक हसद होता है, तो इसलिए हुक्म ये है कि हमें अल्लाह की बना, यानी आप शाह साहब अकेले काफी नहीं है, आप अपने हासिल से लड़ने के लिए बड़ी अलामत है कि आप पहलवान भी हैं, आप काफी नहीं है, आपको अल्लाह की मदद चाहिए, बिल्कुल, या बारी ताला मेरा हासिद है मुझे तू पना दे, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे एक मूवी याद आ गई, गालिबन इटालियन जॉब, बड़ा अच्छा उसका थीम है, वो है अंडर करंट, लेकिन कमाल बात है, मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग सवाल है जो भी मेरे जहन में आया, और आप दोनों शख्सियात से वापस आकर लूंगा कि हासिद जो है ना वो बहुत क्रिएटिव नहीं हो पाता है, उस थीम का जो अंडर करंट थीम है वो सिर्फ फॉलोअर होता है, आपने कामयाबी हासिल की आप जैसा बनने की उसी रास्ते पे वो चाह रहा होता है, या ये चाह रहा होता है छिन जाए, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, ये शायद हासिद के लिए मुमकिन नहीं होता। इस पर हम आकर बात करेंगे कि हसद आपको कितना पस्त कर देता है, अपनी कामयाबी से भी कितना दूर कर देता है, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। तस्वीर मुहम्मद अरबी दी, तस्वीर मुहम्मद अरबी दी, रब आप बना के तकदार, तस्वीर मुहम्मद अरबी दी, तस्वीर मुहम्मद अरबी दी,
रब आप बना के तकदार तस्वीर मुहम्मद वासल गला कहने क्या कहने हजरत, मैं सवाल ये छोड़ के गया था कि वो जो उस मूवी का थीम था वो था कि जो हासिद है वो क्रिएटिव नहीं होता और ओरिजिनल नहीं होता, कॉपी के चक्कर में पड़ा रहता है, ये एक वो है। लेकिन इसका भी एक तो जवाब दीजिए कि इसके बारे में आप दोनों की क्या राय है। दूसरे ये कि जो हासिद है उसको अपनी ज़िंदगी में क्या हसद की वजह से तरक्की करने में, कुछ हासिल करने में मुश्किलात पेश आती हैं या उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और महसूदी का नुकसान होता है? अच्छा सर, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं अगेन कहूँगा कि मैं कोई इल्मी जवाब नहीं दे पाऊँगा, मैं वो समाजी सारी जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको शेयर आपसे कर रहा हूँ। मुझे लगता है शाह साहब, जो हासिद है दरअसल वो अपनी बड़ी एनर्जी हसद से ज़ाया कर बैठता है। ठीक है, ये उसका एक ऐसा मिजाज होता है
जिस मिजाज की वजह से उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर वो इसी एनर्जी को क्रिएटिविटी पे लगाए, खुद पे लगाए और फोकस्ड हो। देखिए ना सर, आप अपने काम ठीक करने बड़ी बात है, हाँ, दूसरे के बारे में फिक्र पाल रहे हैं, सोचने के बारे में। तो जब आप फोकस के साथ, वो एक बड़ी अच्छी कैरी गलर की बुक है, दी वन थिंग, उसका फलसफा ये है कि जिंदगी में एक काम पकड़े लेकिन कमाल का करें। वाह वाह। तो आप जब यकसुई मिलती है, आपको अपनी एनर्जी आप मुर्तकज करते एक जगह पे, उस इर्तकाज से कोई बड़ा नतीजा निकलता। लेकिन अगर आपको सारे शहर की फिक्र है कि वसी शाह साहब आगे क्यों निकल गए, कासिम अली शाह साहब यहाँ क्यों है, ये सारी अगर डिस्कशन आप करते हैं तो दरअसल आप अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं जाया कर रहे हैं। अब शाह साहब होता क्या, ये हसद का वास्ता सबके साथ है। हम सब कहीं ना कहीं, खुदा अल्लाह हमें माफ करे, हसद करते हैं, लेकिन जिसका ये मिजाज पुख्ता हो जाए फिर वो हर जगह हसद ही करता है। ठीक है। और हासिद की एक दुनिया में अगर देखा जाए तो हासिद कहीं ना कहीं कीमती लोगों को भी गवा देता है, मोहब्बत करने वालों को भी गवा देता है, दुआ देने वालों को भी गवा देता है। और एक और करीबी चीज जो मैंने देखी है, अक्सर हासिदीन डिप्रेशन के मरीज होते हैं, उनको डिप्रेशन बड़ी जल्दी होता है, क्योंकि वजह यह है कि हसद से ना उम्मीदी पैदा होती है, ना उम्मीदी अगर मुस्तकिल हो जाए तो वो डिप्रेशन, की शक्ल बन जाती है। हजरत, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, मगर लोगों को बता चलूँ कि डॉक्टर बिल्कीस साहिबा ने हमें कराची से ज्वाइन कर लिया है, बहुत ही आला, यानी कि खुराक के हवाले से और फूड के हवाले से और चटनियाँ बनाने के हवाले से कोई इनका सानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आप लोग के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, मगर मुझे जरा इजाज़त दीजिए, मैं एक सवाल मैंने छोड़ा हुआ था, मैं ज़रा बुखारी साहब की उस पर राय ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर आपसे शुरू यहीं से करेंगे कि ये जो चटनियाँ बनाने वाले हमारे अहबाब हैं या जो बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, ये भी आपस में हसद करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के मसालों से या नहीं, इस पर ज़रा हम आपसे भी बात करेंगे बुखारी साहब। ये जो ये शाह साहब ने दुरुस्त फरमाया, और पता नहीं आप किसका शेर है, आपका शब्द या किसी का, कि अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तूने तो उम्र गवा दी मेरी मिसमारी में। वाह वाह, नहीं मैं मेरे लेकिन बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह। जो लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी इसी काम में सर्फ कर देते हैं। अच्छा, ये एक तो पस्त जहनीत इसकी अकास होती है, बाज़ औक़ात आप जैसा आदमी और उसका कोई बॉस कोई अच्छा हो तो उसको भी बड़े मसाइल होते हैं। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था कहीं से कि ये जो अहमद फराज थे, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ग्रेड इब्तिदा में इख्तितामी लंबा थे, तो जो उनसे ऊपर कोई था तो किसी महफिल में वो गया, जब तो जाहिर है गया और बैठ गया, और जब अहमद फराज आए तो एक इर्तियाश पैदा हो गया पूरी महफिल में, तो उसने जरा दिखाने के लिए तुम्हारा तुम किस स्केल में हो, तो उसने कहा स्केल तो मेरा ये है लेकिन साथ अहमद फराज भी लिखा हुआ है। तो ये है कि जो इंसान की शख्सियत है, जो उसके औसाफ हैं, जो उसके खसाइस हैं, और फिर सबसे बढ़कर जो उसका कबीला है, शोबम व कबाइल लितारफ, कि आपके जो औसाफ और वस्फ हैं फिर वो आप पर पहरा देते हैं, तो मिजाज में वसत इसको होना चाहिए और दूसरों की जो तरक्की है उसको देखकर खुश होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ना आपके लिए शायद ये थोड़े से आप बेहतर जवाब इसका दे सकते हैं, इस सेंस में कि आप ही बेहतर दे सकते हैं क्योंकि आप एक ओहदे पर फायज हैं इस वक्त, डीजी औकाफ हैं आप, तो ये जो यानी कि मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं किसी भी जगह पर, जैसे आपने कहा कहीं बॉस है कहीं कोई, वहाँ पर किस नौयत का ये मामला, चूँकि मैंने तो सारी ज़िंदगी फ्रीलांस काम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा इसका तजुर्बा नहीं है कि किस किस्म के मसाइल आते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं वर्किंग रिलेशनशिप में, जाहिर है ये ऐसी होती हैं। अच्छा, और जो तो काम के दौरान कैसे इससे निपटा जाए, यानी जो आपका मतायत है वो उसका लिबास आपसे अच्छा नहीं होना चाहिए, हम ये समझते अच्छा, हैं सोचते हैं अच्छा, उससे उसकी फिक्र उसकी सोच उसका नोट अच्छा, उसमें से जो आप मातहती की वो आनी चाहिए, जो आपसे ऊपर बैठा है वो समझता है कि इसमें से मुझे कुछ कीड़े निकालने की गुंजाइश मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। और हमारी तो ये तारीख भरी पड़ी है कि कितने कितने लोग इस अपने ओहदों से इसलिए हट गए कि वो अपने सीनियर से ज्यादा देखे जाते थे, सुने जाते थे, उनकी ज्यादा पजीराई थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे। तो बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ चूँकि ताल्लुक मुनक़ते है, एक तो किताब से हम पढ़ते नहीं हैं, और अगर हम इनका ज़िक्र करें जो
ملازمت والے یا دفتری لوگ ہیں تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کہیں ایک دفعہ آ گیا ہے کسی شعبے میں فیلڈ میں تو اس کے بعد اب بھی یہ پڑتا ہے. دوسرا اس میں جو آج بہت زیادہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے, اس کا اس پر توکل کرنا چاہیے, اور جب ہمارا اس سے توکل کمزور ہوتا ہے تو پھر اسی کے نتیجے میں یہ ایسی ساری چیزیں جو ہیں. تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس طرح ان عیوب اور اب ہم اسی پہ آئیں گے. صرف ایک چیز میں ایک اس کا شور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں ذرا اس کو کھول دیں کہ ابھی ہم نے دنیاوی حوالوں سے بات کی ہے, کیا جو علم ہے, مثلا آپ کے پاس زیادہ علم ہے میرے پاس کم علم ہے, اس معاملے میں بھی لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں علم کیڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ایسا مطلب کیا علم والوں میں بھی آپس میں حسد پایا جاتا ہے اور پھر وہ نقصان پہنچانے کی ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ بہت پایا جاتا ہے, یہ تو تاریخ بری پڑی ہے, بڑی پڑی ہے, لیکن میں اس کا جواب ضرور لوں اور ہمارے میں بالخصوص آپ کو جواب لمبا تو پھر شاید بعد میں موقع آئے. یہ ہمارے آئمہ اہل بیت جو ہے نا, جی جی جی, جو حضرت علی المرتضیٰ سے شروع ہو کر حسن عسکری تک اور اس کے بعد امام مہدی آئے, ان کی کسی کی بھی طبی موت نہیں ہے. نہیں, درست کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, درست کہہ رہے ہیں. تو یہ اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ان کے اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب اقتدار, جی, صاحب حکومت, صاحب سطوت یہ سوچتا ہے کہ سارا اختیار اقتدار تو میرے پاس ہے, درست کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود لوگوں کا رخ خلقت جو ہے وہ یس, اور وہ ایک بڑا معروف ملوکیت سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ہاں, جب ہشام شاید جی حج کے بعد حجر اسود تک جانا چاہتا تھا اس کی بوسہ دینے کے لیے, حرم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, اور اس حرم میں جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر کسی اور کی سطوت اور بادشاہ کا کسی کے لیے کیا بوجھ. تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ مجھے تو کسی نے راستہ نہیں دیا, اور حضرت امام زین العابدین اور لوگوں نے اپنی پلکیں بچھا دی, راستے کھول دیے, اور آپ حجر اسود تک گئے. فرزدق شاعر تھا, اس نے طنز کی یا شرارت کی, اس نے پوچھا یہ کون آیا تھا ابھی کہ جس کے لیے رستہ جو ہے لوگوں نے پلکیں بچ گئیں, آنکھیں جھک گئیں اور سر نیاز خم ہو گئے. تو اس نے بے اعتنائی سے کہا کہ اب یہ جو جذبہ اس کے اندر تھا, تو شاعر تھا وہ بھی, اس نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم یہ کون تھا؟ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں, اور پھر ایک لمبا قصیدہ کہا کہ یہ وہ ہے جس کی جس کو عرب کا ذرہ ذرہ اور حرم کا جو کریا کریا ہے اور کلی کلی وہ اس کے آگے جھکتی ہے اور اس کو جانتی ہے, اور اس کا نانا یہ اللہ ہے اور اس کی ماں یہ ہے, اور سبحان اللہ اس نے اس کو قید کر دیا. ظاہر یہی کچھ ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. اب ایک بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اختیار اور اقتدار کا یہی ایک ہوتا ہے کہ جی اس کو قید کر دو. امام زین العابدین نے اس کی خدمت میں اس کے لیے 12,000 اشرفیاں بھجوائیں اور فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس یہی تھا, اور ہم ابتلاء کے دور میں ہیں, اس سے زیادہ تمہارے لیے کر کچھ نہیں سکتے. کچھ نہیں تو اس نے کہا کہ میں نے یہ قصیدہ اس لیے تو نہیں لکھا, نہیں لکھا گیا. اس نے واپس کر دی. تو امام نے کہا کہ ہم کسی کو جب کوئی چیز دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. تو علم والوں کا آپس میں کیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے, اور پھر ہم آ جائیں گے کہ اس کا علاج جو ہے حسد کا علاج کیا ہے, اس سے کیسے بچا جائے, بچا جان چھڑا جائے, چونکہ دوسرے کو بھی برباد کر رہا ہے, سب سے پہلے خود کو برباد, خود کو بھی برباد کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے, آپ کا سامنا رہتا ہے اپنی کولیگ سے اور اپنے شعبے میں یہ حسد سے؟ میرے خیال میں اس مرض کا جو ہے نا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہ ہو اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہ ہو. واہ واہ واہ, جن کو اپنی صلاحیت پر اور محنت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کا شکار نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اور جہاں تک میری بات ہے, میں جو ہے نا اس چیز کو کبھی اگر کوئی کرتا بھی ہوگا, کچھ اورا آپ کا ہوتا ہے آتا ہے, لیکن میں ہنس کے گزر جاتی ہوں, گزر جاتی, کبھی اس کو اوڑتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آج کیا آپ یعنی کہ لے کر آئی ہیں؟ اور بھائی آپ کی چٹنیوں کی تو بڑی دھوم ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسی چٹنیاں آپ بناتی ہیں, جیسا شربت آپ بناتی ہیں, کم لوگ ہی اتنا اچھا یعنی کہ جسے کہیے کہ ترکیب جو ہے وہ بتا پاتے ہیں. تو آج کیا خاص لے کے آئی ہیں آپ؟ آج کیونکہ دیکھیں ہیٹ ویو آنے والی ہے, اور پیاس کی شدت, میدے کی خرابی, تو میں آپ کو ایک ایسی کھیر بنانا بھی بتا دیتی ہوں جس میں آپ کو محنت نہیں کرنی ہے اور جس میں آپ کو چولہے کے پاس نہیں جانا. یہ ایسی دودھ کی کھیر ہے جس میں آپ اس کو پکائیں گے نہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کرنا ہے؟ جی میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں جی کہ آج نا صبح سے شام تک 4 بجے سے لے کے 6:30 تک ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جلن ہی جلن ہے.
हसद, तो मैदे की जलन जो है वो बुनियादी तौर पे आज मौजू है डॉक्टर साहब। जी 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 मैं कोशिश करूंगी कि मैदे की जलन कम हो जाए। हसद की आग के लिए तो बड़ी रियाजतें करनी पड़ेंगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक ग्लास दूध लेना है, ठीक है, और एक चम्मच गोंद कतीरा, एक चम्मच तुखमे बालंगा, एक चम्मच साबित इस्फाहोल, वाह वाह, और इनको एक बाउल में डालकर आप रख दें, रात को रख दें, सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी बड़ी मजेदार सी खीर तैयार होगी। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें दो चम्मच मिश्री मिला लें, वाह वाह, ठीक है, मिश्री पीसकर मिला लें, तो बड़ी मजेदार मीठी खीर आपकी तैयार हो जाएगी। इस खीर का इस्तेमाल एक कप जो है सुबह शाम कीजिए, जिनको मैदे में बहुत ज्यादा जलन रहती है, तेजाबियत होती है, खाना मुंह को आता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें ये रोजे उनके सहल गुजरेंगे। रमजान के बाद भी इसका इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह जो मैदे के अमराज है उसको सही करने में ये आपकी मदद करेगा। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, डॉक्टर साहब ये खाली पेट ली जाए खाने से पहले या खाने के बाद? खाली पेट, खाली पेट, खाली पेट, ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा देखिए, उसूल है नेचुरोपैथी का, उसूल ये है कि जब आप खाली पेट होते हैं तो सबसे पहले अपने आप को जो हाइड्रेट करें, हाइड्रेट अच्छा। करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जो मतलब रूम टेम्परेचर पे पानी है उसको पी लीजिए, ना पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कीजिए, ना ही पानी आपका ठंडा होना चाहिए, ठीक है। उसको पीने के बाद फिर आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ चाय या ग्रीन टी आधे घंटे के वक्फे से कीजिएगा ताकि ये आपकी आंतों की सफाई कर ले, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा जो मैं आपको बहुत आसानी से मतलब कि जहां जहां देखा जा रहा है, जैसे मटके का जो पानी होता है क्योंकि प्यास बहुत लगती है, तो आपने क्या करना है कि एक जैसे 5 से 10 लीटर पानी के लिए एक चम्मच जो मुलैठी पाउडर काफी होता है, ठीक है, बस आपने मुलैठी पाउडर जो है ना आपने पानी में मिला देना है। चाहे इसको और अच्छा करना, 3 से 4 छोटी इलायची आप इसमें डाल दीजिए, और गुलाब की पत्तियां भी अगर है, देसी गुलाब की पत्तियां अगर अवेलेबल हैं तो एक मुट्ठी वो डाल दीजिए, तो आपका बड़ा अच्छा सा जो है पानी जो है तैयार हो जाएगा, जो आपकी प्यास की शिद्दत को कम करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये और फिर प्लीज आप मुकम्मल कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। नहीं जी आप पूछ लीजिए, मैंने कर लिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चूंकि एसिडिटी आज का मौजू है, जलन जिसे हम कहते हैं, तो ये फरमाइए कि अफ्तार के बाद से लेके फिर सहर तक इसी दौरानिये में हम सब कुछ खा पी रहे होते हैं, और तो खाने पीने के मामूल को या खाने पीने के तरीक़ाकार में क्या तब्दीली लाई जाए कि जलन जो है या एसिडिटी से जो है उससे बच सके आदमी, एक, और दूसरे इस दौरान में ये जो आपने अभी इसबगोल का और साबुदाने का और नहीं साबुदाना नहीं तुखमलंगे का और ये जो आपने एक खीर सी बताई है, क्या ये भी इस दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं या उस दौरान कुछ और इस्तेमाल किया जाएगा? जी ये मैंने बताया है कि जैसे सहरी में आप उठे आपने पहली चीज़ें ले ली, अफ्तारी में तो जाहिर सी बात है कि अब मैं कहूँगी भी तो कोई नहीं लेगा, अगर ले ले तो बहुत अच्छा है। जी, पकोड़ों की मौजूदगी में कौन लेगा मुझे बताइए। जब आपका थोड़ा सा सेमी जल, थोड़ा सा आपका पेट खाली होने लगे तो आप इसको खा लीजिए। अच्छा हम क्या करते हैं कि कुदरत ने हमें सिखाया है मगर हम उससे सीखते नहीं। जैसे अल्लाह गफूर रहीम ने हर मौसम में उससे पहले उसके फ्रूट, उससे पहले उसकी चीज़ें जो उतार दी हैं, अब हम क्या करते हैं, ये मौसम जो है ये समोसे पकोड़े तली हुई चीज़ों का नहीं है, क्योंकि हमारा मैदा बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें ज़ूद हज़म ग़ज़ाएँ और वो ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करना है जो 1 से 1.5 घंटे में हमारे खून का हिस्सा बन जाए, मगर हम ये करते नहीं, इस वजह से जो है ना तेजाबियत और जलन अच्छा। जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम मतलब के मतलब जैसे पकोड़े ना खाएं तो लगता है रोज़ा खुला नहीं है, जी जी जी। तो ये थोड़ी सी अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे तरबूज का शरबत अच्छा। आप तरबूज को उसका जो बीज है उसका मगज़ उसको नहीं निकालें, आपने तरबूज को ब्लेंड कर दिया, उसको और अच्छा करना है तो आप इसमें लेमन डाल दें और पेपर में यानी कि पुदीने के पत्ते में मिक्स कर लें, आपका तरबूज का बेहतरीन शरबत बन गया। अगर चाहें इसको और अच्छा करना तो स्ट्रॉबेरीज 8 से 10 आप इसमें डाल दीजिए,
बेहतरीन तरबूज का शरबत बन जाएगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। खीरे का शरबत बना के खीरा और सेब मिक्स करके, ताकि आपको एनर्जी भी मिले, उसका शरबत बना के इस्तेमाल कीजिए। नमकियात कम से कम कीजिए, और नमकियात कम करने का हरगिज मकसद ये नहीं कि आपने मीठा बढ़ा देना है, मीठा भी जो है कम करना है। और सुन्नत पे अमल कीजिए, खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खा लीजिए। अच्छा। तो गुड़ का टुकड़ा आपके दूसरे चीज़ों को हजम करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये अफ्तार के बाद से लेके सहर तक कितने कितने वक्फे के साथ आपको कुछ मील जो है वो लेना चाहिए, या बस अफ्तार के बाद खाना और फिर उसके बाद सिर्फ सहर, बीच में भी कुछ ले सकते हैं? खास तौर पे बात हो रही है एसिडिटी के मरीजों के लिए, जो जिनको सीने में जलन होती है। अच्छा, एसिडिटी के मरीजों के लिए मैं बता देती हूँ कि जो आप, एक तो मैंने इतने सारे आपको जो एक दो ड्रिंक बताए वो ले लीजिए, नहीं तो आपने क्या करना है, दूध जो होता है जी, दूध के 2 चम्मच 1 ग्लास पानी में के लिए काफी होता है। अच्छा। तो आप जो पानी पीते हैं तो ये वाला आपने पानी पीना है, इससे भी आपकी तेजाबियत, मैदे की तेजाबियत को सही करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है। तीसरी चीज जो है वो दही, यानी कि दही में प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसमें वो है। बैक्टीरिया होते हैं जो आपके तेजाबियत और इस तरह के जो बैग, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत माजरत के साथ मुझे आपकी होगी, मैं ब्रेक से बाहर यहीं से दोबारा फिर आपसे बात करूंगा, फिर आपसे बात करके फिर हम अगले मरले की तरफ बढ़ेंगे, ताकि सीने की जलन जरा मुकम्मल हो जाए, फिर जरा दूसरी जलन की तरफ हम आएंगे। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आज का हमारा मौजू जो है वो है हसद, और डॉक्टर हसद यानी कि जिसको उर्फ आम में जलन भी आप कहते हैं, मगर डॉक्टर बिल्कीस साहबा से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सीने के अंदर जो जलन जो तिब्बी खराबियों की वजह से पाई जाती है, यानी कि तिब्बी हवाले से जिस्मानी उसकी वजह से पाई जाती है। और मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन से भी एक दो हमें बड़े अहम सवाल करने हैं, फिर हम हसद को का मौजू जो है वो लेकर जाएंगे ताहिर भाई की तरफ और शाह साहब की तरफ। डॉक्टर साहबा, आप बात करनी थी दही के हवाले से, मुकम्मल कर लीजिए, फिर मुझे एक सवाल आपसे करना है। जी ठीक है। दही में आप समझ लें कि वो बैक्टीरिया या आपके वो सोल्जर्स हैं जो आपके बुरी चीज़ें होती हैं, जो आपके बैड बैक्टीरिया होते हैं उसको खाने में मदद करती है। तो दही का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, या दही का पानी भी, अगर जिनको किसी सूरत किसी तरह भी आराम नहीं आए तो आपने क्या करना है, जो दही जो लोग जमाते हैं उसके ऊपर दही का पानी अलग हो जाता है। जी जी जी। वो पानी जो है वो जो है आपके सीने की जलन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो हासिदीन होते हैं वो ना सिर्फ अपने हसद से अपनी रूह को जख्मी करते हैं बल्कि जिस्म को भी जख्मी करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो जब उनकी ज्यादा बहुत ज्यादा सोचते तो भी आपका मैदा खराब हो। यस, दुरुस्त कह रही हैं आप, दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो कराची में नारियल पानी मिलता है वो भी मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि जी वो पीने के बाद अगर आप उसके अंदर उसको कटवा लें और उसके अंदर वो जो एक तैसी होती है हल्की सी गुदे की तरह की पल्प सा जो होता है, नारियल जिसे कहते हैं, जी वो भी अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी सीने के लिए दुरुस्त बात है। जी जी बिल्कुल, नारियल का पानी भी बहुत अच्छा है, मिनरल कैल्शियम का खजाना है। उसके अलावा लौकी का पानी भी बहुत अच्छा होता है कि जैसे लौकी को एक हल्का सा उबाला देके निकाल दिया जाए, निकालने के बाद आधा इतना सा टुकड़ा उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें, उसमें आप पुदीने के पत्ते डाल दें, उसमें आप मिश्री या इलायची मिला लें, तो ये भी जो है जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहता है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मशरूब है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं खुराक को इस्तेमाल करने के हवाले से आपसे नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पर आप कुछ हमारी रहनुमाई फरमा सकती हैं कि जो मामूल है खाने का अफ्तार के बाद से लेकर सहर तक, ये इसी दौरान हम खाते हैं रमज़ान में, और उसके बाद तो रोज़ा होता है उसके अलावा, यानी कि सहर से अफ्तार तक, तो इस दौरान ही आपका जिसे कहते हैं उर्फ़ आम मुँह चल रहा होता है, तो तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कितनी कितनी देर बाद कितना खाना चाहिए अफ्तार से सहर तक, उसका उसके मामूल को कैसे एडजस्ट किया जाए, रूटीन कैसे बनाए? मैं
जी मैं देखिए मैं आपको बहुत आसानी से बताती हूँ और साइंटिफिक तरीके से बताती हूँ। देखिए जो ग़िज़ा आपके 8 घंटे में जाके हज़म होती है तो वो कौन कौन से ग़िज़ाएँ हैं, जैसे बड़े का गोश्त है, तली हुई चीज़ें हैं, तो उसको तो हमारा मैदा से गुज़र के खून बनने के अमल तक 8 घंटे रखते हैं। ठीक है, तो ठीक है अभी हमारा 12, 13, 14 घंटे का रोज़ा चल रहा है। तो देखिए ये महीना, ये बाबरकत महीना जो हम मुसलमानों पे एक इनाम की तरह उतरा है, तो इसको इसी तरह लें। इसका आप सहरी करें और आप अफ्तारी करें। अच्छा, अफ्तारी थोड़ा सा करके जैसे अपने नमाज इशा की नमाज पढ़ के आप खाना खा लें, तो जरूरी नहीं है कि आप 3 वक्त 4 वक्त का 3 वक्त का आपने खाना खाना है। खाना आप 2 वक्त खाइए, उसके बाद अगर आपको भूख है तो आपने सेब खा लिया, आपने खीरे का जूस पी लिया, अनकुक चीज़ें खाएं, जैसे आपने नारियल पानी का कहा है, नारियल पानी आपने ले लिया, आपने दही का 1 कप खा लिया, तो फिर आपने अनकुक चीज़ों पे जिसे आपने पकाने की ज़रूरत नहीं होती आप उस पर चले जाएं। ठीक है, और इन्हें ये साइकोलॉजिकली होता है कि हमने खाना नहीं खाया, हमें नकाहत हो रही है। नकाहत नहीं होगी, देखिए हम जब रोज़ा रखते हैं और रोज़े में क्या होता है कि खुदकार निज़ाम के तहत हमारा जिस्म उन हिस्सों को, वो गले सड़े हिस्सों को खाने लग जाता है जो आगे जाके बीमारियों की शक्ल में आते हैं, तो हम फिर हम जो है ना उसको बर्बाद कर देते हैं बहुत सारा एक साथ खा खा। ठीक है, तो 2 मील अफ्तार के वक्त आप खाइए और सहर के वक्त, ये बुनियादी है, फिर हल्का फुल्का फ्रेश खा लें अगर कुछ खाना। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल आ रही। अच्छा मोहसिन ये बताइए कि घर में कुछ आपके जो फैमिली मेम्बरान हैं उनके साथ कुछ मदद करवाते हैं आप, पकौड़े बनवाने में, कुछ समोसे में, कुछ चाट में, कुछ शरबत में, या ये है कि बहरहाल आप स्टार हैं बस हुक्म लगा देते हैं कि नहीं बस मुझे पहुंचा दिया जाए? नहीं, मैंने इस आइसोलेशन में रहते हुए तो बल्कि कुकिंग भी की है, और वैसे भी मुझे मैं एक खुशखुराक आदमी हूं तो मुझे अच्छा लगता है खाना और उसके इर्द गिर्द रहना। तो अभी बल्कि मैं एक चीज बड़ी जरूरी मेंशन करना चाहूंगा कि आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो जब आप इतने अच्छे और इतने बाशऊर लोगों की महफिल में बैठे हों तो अभी डॉक्टर साहिबा ने जैसे फरमाया कि तुखमे, बिल्कुल तुखमे बालंगा जी, तो वो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे मैंने कोई शेर सुन लिया, शेर का कोई मिसरा सुन लिया, या किसी दीवान का नाम है तुखमे बालंगा। ये हमारे कराची वालों की उर्दू अच्छी होती, हम तो ऐसी सारी जिंदगी तुख मलंगा ही गया। ठीक है, आई स्वेयर, और आज मैं भी एतराफ करना चाहूंगा कि मुझे आज तक यही पता था तुख मलंगा है कोई नाम है, एक ऐसी तुखम है, बीज है ना, तुखमे बालंगा जो है, आज मेरे इल्म में ये इजाफा हुआ। बिल्कुल, आज इजाफा हुआ यार, वो यकीनन बड़ा मजा आता है। जी जी जी, वो सुना दीजिए, पहले आप मुकम्मल कर लें और फिर मुझे वो सुना दीजिए, हम सबको हुजूर जानते हैं, पहले आप मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात। अल्लाह हुक्म। जी जी, मैं बस वही अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल बड़ा मजा आता है घर वालों के साथ, और रमजान जो है ये मेरे पसंदीदा महीनों में से है, और रमजान में मेरे अंदर का जो बच्चा जाग जाता है, मुझे फेस्टिविटी जो है इसकी, जो घर का एक माहौल है, और इफ्तार और सहर का जो के औकात हैं, और फिर वापस आपकी एक जो रूटीन अच्छी हो जाती है, जो हमारी काहली और सुस्ती की वजह से, हमारी ही अपनी किसी गुस्ताखी की वजह से हम जो अल्लाह पाक से दूर होते हैं थोड़े से, वो रमजान हमें फिर मौका देता है कि हम का सदबाब कर सके। आप सबकी इजाजत से सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, बरोज़े हश्र शफ़ात करेंगे चुन चुन के, बरोज़े हश्र शफ़ात करेंगे चुन चुन के।
हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, पहुंच के सिदरा पे रूह अमीन कहने लगे, यहां से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, हुदूदे ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। क्या कहने, जज़ाकअल्लाह मौसी साहब, अल्लाह ताला आपको अजर दे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आता फरमाए और आगे आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी कामयाब हों, आप निजी ज़िंदगी में भी कामयाब हों, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हुज़ूर। वक्त चूँकि अब ज़रा तंग हो चला है, ये जो हसद है इसका इलाज जो है उसकी तरफ हमें बात, इलाज तो ज़ाहिर है अब इस सारी गुफ्तगू में दरमियान में आया है, कहीं मौजूद ही था। एक तो यह है कि ये हमें बावर कर लेना चाहिए और रखना चाहिए कि जैसा गुफ्तगू भी हुई कि उस जिससे हम हसद कर रहे हैं शायद उसका नुकसान पता नहीं हो या ना हो अब हमारा हो रहा है। और ये भी एक आम शेर बड़ा लिखा होता था, हसद हसद की आग में खुद ही जला करे, हाँ। वो शमा क्या बुझेगी खुद से रोशन हो, ये भी बड़ा लिखा होता था। तो और अल्टीमेटली ये भी है कि हसद करने वाला, साजिश करने वाला, गीबत करने वाला वक्ती तौर पर ये बहुत जुज वक्ती कहीं जो कोई शायद कामयाबी मुयसर भी आ रही हो, लेकिन अल्टीमेटली वो चारों शाने चित होता है, चारों शाने और अल्लाह पे तवक्कुल और कनात। और ये महीना जो है ये चूंकि इसमें सौम, जैसा किसी कॉलर ने भी कहा था, रुक जाना और बर्दाश्त करना, सौम का मतलब ही है बर्दाश्त करना। और अरबों के अंदर रोज़े की रिवायत कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो हज से आगाह थे और जितना कोई बरहना होता उतना वो समझते कि हज ज़्यादा मकबूल हो रहा है, नमाज का उनके यहाँ तसव्वुर था, रोज़े का उनके यहाँ तसव्वुर नहीं था। वो लुटेरे थे, मुख्तलिफ उनकी पेट्रोलिंग टीमें जाती थी, काफिलों को लूटते थे और उनके पास इसके लिए दो जानवर थे, एक ऊँट और एक घोड़ा। ऊँट उनके माहौल से मुताबकत रखता था लेकिन उसमें सूरत नहीं थी, घोड़ा जो है वो शिद्दत को बर्दाश्त, सूरत थी लेकिन वो शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो उन्होंने घोड़े को उस माहौल से मुताबकत के लिए कि वो पहरों भूखा रह सके और लंबा प्यास जो है उसको बर्दाश्त कर सके, और चिलचिलाती धूप जिसके अंदर रेत के संग्रेजे हों उसका वो मुकाबला कर सके, तो वो दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप जो होती थी उसके अंदर घोड़े को हवा के मुखालिफ समत खड़ा कर देते थे, वाह वाह, और आंखें उसकी खोल के रखते थे, वाह वाह। इस सारे अमल को वाह वाह वो सौम से ताबीर करते थे कि ये इस प्रोसेस को बर्दाश्त करे, वाह वाह वाह, उसको सुधाते थे, इस एक्सरसाइज को, इस मश को, वाह सौम का। इसके अलावा उनके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं था, ये नबी अकरम रसूल मोहतशम मदीना मुनव्वरा में चूंकि यहूदी रहते थे उनके यहाँ था, मक्का में नहीं था। तो बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि इस एक्सरसाइज को, इस प्रोसेस को अपने ऊपर इन अयाम में जब हम वारिद कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ अपनी ऐसी खामियां उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनसे निजात हासिल करनी चाहिए। अफ का दायरा, लोगों से दरगुजर का मामला, इसको वसी करना चाहिए और जो मोहब्बत के जीने हैं उसको बढ़ाना चाहिए। और जो अल्लाह पे तवक्कुल, जो बार बार बात हुई कि जिस
उसकी तरफ से जिसको जो आना है वो आना, वो आके रहना है मेरे हसद से, मेरे अनाथ से, मेरी कुदूरत से, ये चीज उसकी नेमतें रुक नहीं सकती। अच्छा सर, मैं इसमें तो यकीनन मुकम्मल ही हो चुकी बात, मैं एक सिर्फ छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। बाज़ औक़ात हमें नहीं पता लगता, हम अपनी थोड़ी सी लापरवाही से या अपने शौफ से अपना हासिद खुद पैदा कर देते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा एक बारीक सा नुक्ता है, यानी हमें अंदाजा नहीं हो रहा होता बिल्कुल सही कि हमने जो हरकत की है उससे किसी के महरूमी का एहसास बड़ा और हासिदीन में इजाफा हो गया। बिल्कुल, तो आप अल्लाह की मदद तो मांग रहे हैं लेकिन अपना अंदाज भी ठीक कीजिए कि कहीं आपकी आपके पास अगर कह लीजिए आसानी है, नेमते हैं, तो उनको थोड़ा सा संभाल के बचा के रखिए, उसका शुक्र अदा करना वो रब को है और आप उसमें से आसानी दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन शोफ ना कीजिए। ठीक है, ये जो शोफ बढ़ी है इस माशरे में बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, इतनी बढ़ी है कि उससे हसद भी बढ़ा है। अच्छा, आप पूरे पंजाब की वो बेल्ट्स जहां पर कत्ल ज्यादा है, जहां पर दुश्मनदारियां ज्यादा है, आपको वहां पर हसद भी ज्यादा मिलेगा, फिर आपको उस सारी बेल्ट्स में नो दौलतिए भी बड़े मिलेंगे, सही कह रहे हैं, और शोभ भी ज्यादा, शोभ भी ज्यादा मिलेगा, ये जो फायरिंग है और ये सब है, ये चीजें भी, और उसके बाद एक बड़ा तबका बाहर के ममालिक से पैसा कमा के लाता है, जी जी सब तो ऊंची हवेली बना लेता है, बाकी कच्चे मकान हैं, ऐसी हरकतें करता है जिससे उसके हासिद पैदा होते हैं और उसके तकब्बुर को या उसकी आकड़ को तोड़ने के लिए कोई ऐसे काम करने लग पड़ते हैं, ये आपको बड़ा कॉमन मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तरतीब में जो चीज कही जाती है कि आप जिससे हसद आपको महसूस हो रहा है आप उसकी तारीफ कीजिए, दिल से कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए, आप तहज्जुद में गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह से मदद मांगिए, या बारी ताला मैं अपना दुश्मन खुद हो गया हूं, हासिद हो गया हूं, फिर आजी, फिर सलाम में पहल, फिर उसके बाद अपने से कमतर को देखना, फिर सबसे बढ़ के किसी नेक इंसान की सोबत को तलाश करना, ये कहीं ये मुताले की चीज थी जो मैंने ढूंढी, और ये सब चीजें कही जाती हैं कि अगर आपको हसद महसूस हो तो ये आप बेहतरीन अद्वियात यही हैं, नसीहतें आप इनको फॉलो कर। अच्छा, कल भी शाह जी हमने इस पर बात की थी कि यूथ जो है वो बाज़ औक़ात बड़ा गिला करती है, लत्तां खिंच रहे हैं, लत्तां खिंच रहे हैं, एक तरह से वो यही गिला करती है कि मुझसे सारी दुनिया जो है वो हसद में मुबतला है, तो यूथ को क्या हम पैगाम देंगे, खुद गुरेज करे और ये ना समझे, ये भी तो एक मसला है ना शाह जी कि मैं ये समझना शुरू कर दूं कि आपको मुझसे हसद है, ये भी तो बिल्कुल है कि बाज़ औक़ात ये भी तो सही बात होती है ना, तो दोनों एंगल है इसके। अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि आपको अपने हासिद के लिए दुआ करने के बाद अपने काम पर मुकम्मल फोकस करना ठीक है। दुनिया में बेहतरीन जवाब जुबान से नहीं होता, नतीजे से होता है। वाह वाह वाह, अगर आप करके दिखा दें वाह वाह, और आप वक्त पे छोड़ दें, पंजाबी का की मुहावरा कहते हैं चंद चढ़दा है तो दुनिया वेख ही लगे, बेशक ऐसी वाह, तो वक्त पे छोड़ें ठीक, तो वक्त बड़ा बेहतरीन जवाब देने वाला है, आप बड़े बेहतरीन किसी वक्त में उसको पता लग जाता है। दूसरा सर देखिए, अगर आप अपने काम पे लगे हुए डटे हुए फोकस है, आपके पास वक्त ही नहीं होना चाहिए हाँ, कि आप किस तरह की खबासतों को या मसाइल को एड्रेस कर सके। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे, बुनियादी तौर पे बड़ा बेसिक जो कुलिया है वो यंगस्टर्स को मैं बिलखसूस ये कहूं कि ये आपके हासिदीन भी आपको सिखाने के लिए आते हैं। इंसान का बेहतरीन उस्ताद, दुनियादारी की बात करने लगा हूं, वो कनिंग पीपल होते हैं, चलाक लोग होते हैं, हासिदीन होते हैं, जो ऐसा सबक देके जाते हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल भी नहीं सिखा सकते। बिल्कुल ठीक है, आपकी जो पीपल जीनियस है, आपकी जो सोशल जीनियस है, वो आप दुनिया के साथ रह रह के हासदीन के साथ टैकल कर करके मुखालफतों को बर्दाश्त करके दोस्त के दुश्मन बनने के फिनोमेना को समझ समझ के आप में चलाकियां आती हैं। अच्छा, एक वैसे मेरा भी आपसे सवाल सर, अगर आप इजाजत नहीं, नहीं 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 प्लीज, हमारे कई ऐसे अदीब और शायर हैं जो मर्दम बेजार हो जाते हैं, यानी वो इतने कड़वे हो जाते हैं, और कहीं आपको लगता है उसकी वजह यही होती है कि इतने उनको तंग किया जाता है, इतने ढंग मारे जाते हैं कि आखिरकार वो कड़वे कसीले होके कहीं बैठ जाते हैं कि मुंह लान तो चंगा चुप करके कॉलम लिखिए, अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करिए और दुनिया तो चले जाइए। मेरे ख्याल में इसके कई एंगल हैं अब, और एक एंगल इसका ये है कि ये नाशुकरापन भी है, मैं इसको कैसे देखता हूँ, और इसको मैं मुझे भी ये सच्ची बात मैं आज इतराफ़ करता हूँ, आपने सवाल ऐसा किया, जगह ऐसी है कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, मुझ में भी ये प्रॉब्लम जो है ये शुरू हुई थी कड़वे होने की नहीं, मर्दम बेजारी की। फिर मुझे आका जो है उनकी एक हदीस मेरे सामने आई, उस दिन से बदल गई हर चीज़। आका ने फरमाया कि तुम्हारे वक्त में तुम्हारे मुलाकातियों का भी हिस्सा है। सो आई रियलाइज कि यार अगर आपको और आपको अल्लाह ताला ने ये फ़न अदा किया है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आपके चाहने वालों का, आपके फैंस का उसमें हिस्सा है, उस वक्त में हिस्सा है। सो ये आप पे वाजिब है
कि आपका जितना वक्त आप अपने दोस्तों को दें, बीवी को दें, काम को दें, अहलिया को दें, उसको दें, जिससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी खुशी की खातिर वो एक तस्वीर खिंचवाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि वाजिब है आप पे कि आप उसके साथ तस्वीर खिंचवाएं, मुनासिब फासला रखें। हाँ, मुनासिब फासला रखें। तो ये एक वो है। तो मेरे ख्याल में ये नाशुकरापन है कि अल्लाह ने आपको कोई मुकाम दिया है और आपका काम किसी भी वजह से लोगों में मकबूल हुआ है और आप उनके साथ उनको एक मुस्कुराहट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात उसके लिए वो सारी ज़िंदगी के लिए वो होता है कि यार मैं कासिम अली शाह साहब से मिला, मैं 1900 कौन सा सन चल रहा है 2020 में मिला था 20 साल पहले, तो वो खुशी उसको देनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और क्या खबर शाह जी कि यही खुशी जो ज़रा सा देना है ये अल्लाह ताला को पसंद आ जाएगी। यार ये इस वक्त आपका दिल नहीं चाह रहा था, रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आप आ गए, 2 मिनट उसको चाय पूछी, पिला दी, क्योंकि मेरे ख्याल में और अगर किसी को ये थोड़ा थोड़ा नहीं देंगे तो फिर वो आपका बहुत कुछ छीनने की कोशिश करेगा। जी जी जी, वो ऐसे ही मारूफ बात है ना कि उस्ताद दामन जिस दरून के जिस उजरे में रहते थे वहाँ चूहे बड़े थे, तो उनके लिए वो स्पेशल मोती चूर के लड्डू लेके जाया करते थे, तो उनको खिलाते, तो किसी ने पूछा उसने अगर मैं इनको ये नहीं खिलाऊंगा तो ये सारी मेरी किताबें खा जाएं। वाह वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखें बड़े लोग क्या होते हैं, मुझे याद है मैं सरगोधा शहर से एक मर्तबा स्टूडेंट था उस वक्त, यानी कि हेली में भी नहीं पढ़ता, स्टूडेंट था, मेरा ख्याल में 15-16 साल का शायद होगा, तो ढूंढ ढांड के मैं अहमद अदीम कासमी साहब के घर पहुँच गया मैं, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे घर में ज़रा बीमारी है तो मैं आप बताइए, तो मुख्तसर गुफ्तगू हुई, यानी कि मैं 15-16 साल का था, उनसे पहली जो मेरी मुलाकात थी कासमी साहब से, वो मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 मिनट की दरवाजे पे खड़े खड़े हुई थी, और किसी उन्होंने मुझे यकीन है कि वो दुरुस्त कह रहे होंगे, मगर उस 1.5-2 मिनट में मुझे कहीं हतक का या ये एहसास नहीं हुआ कि वो मुझे टाल रहे हैं, मुझे दयानतदारी से लगा कि वाकई अगर इनके घर में ये इस वक्त मसला ना होता तो ये मुझे बैठ के चाय पिलाते, बाद में तो सबसे दोस्तियाँ हो गई थी। तो वो उसके बाद जब तक मैं अपने शोबे में नहीं आया 8-10-12 साल तक, उनका वो जो जेस्चर था वो मुझे याद रहा, और मैं दुआएं मतलब उनके लिए करता हूं, तो मेरा ये तो जवाब है। लेकिन आपने परसीव ठीक कर लिया ना। हाँ। बड़ी दुनिया ऐसी है जो सच भी बोला जाए। एक मैंने दोस्त से पूछा जी सही कह रहे हैं, इन्हें बहाने क्यों मारना, सही कह रहे हैं, उन्हें कहा जी लोगों को आदत पै गई झूठ सुनने की, सच हजम ही नहीं होता, ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, ये अगर हमारे पास वक्त है इसमें हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, ये बड़ा है। शाह जी 30-30 सेकंड जरा आप इसमें दोनों एक जुमला सर, मैं तो सर मतलब अपने मोहब्बत करने वालों से बड़ी एक आजाना सी अर्जी पेश करता रहता हूँ कि मैं मजबूर हूँ मगरूर नहीं हूँ, यानी आप यकीन ही बात है कि आपने वक्त तकसीम किया दफ्तर के लिए, घर के लिए, जाती मामलात, मुश्किल हो जाता है, तो बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां आप बड़ा हम्बल होके आजिज़ होके अपनी गुजारिश पेश करते हैं और उस पर यकीन कर लेना चाहिए, जी कर लेना चाहिए कि बंदा झूठ नहीं बोल रहा। शाह जी इस पर हम खैर अलग से प्रोग्राम करेंगे, इस वक्त अगर आपको 15-20 सेकंड इस पर बात करना चाहेंगे, जो बदगुमानी होती है, जो हम हर वक्त एक दूसरे की बात को तोलते रहते हैं, जैसे आपने कहा कि मैंने कासमी साहब की बात को सच्ची बात नहीं तोला, मुझे उस वक्त भी यकीन था, आज भी यकीन है कि चूंकि जिस शफकत से वो मिले, जिस शफकत से उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ अभी बैठ नहीं सकता, मुझे यकीन है कि दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन बदगुमानी जो है ये भी तो दूर करती है कि तुसी गलत बयानी कर रहे हो। देखिए माइंड ने ना सर थॉट्स प्रोड्यूस करनी है, वो प्रोडक्टिव थॉट्स हैं तो वो लिटरेचर बन जाएगा, कचरा है तो बदगुमानी बन जाएगी। वाह वाह, तो वो बाज़ औक़ात खबर नहीं हो रही होती कि जो आने वाला ख्याल है उसमें कोई हकीकत नहीं है। आपको अपने मिजाज को अपना पैरा करना है, अपनी थॉट्स का भी पैरा करना चाहिए, अपनी सोचों का पैरेदार बन के ये देखिए कि कहीं मेरा दिमाग मेरे अंदर से खदशे बदगुमानी है उसको तो जन्म नहीं दे रहा, ख्याल ज्यादा जन्म तो नहीं लेने लग पड़े, ठीक है, और अगर लेने लग पड़े हैं तो इन्हें शटअप कॉल जरूर देनी चाहिए। सर क्यों बदगुमान होते हैं हम एक दूसरे के बारे में? तो यही इसी वजह से, एक तो बदगुमानी को कुरान ने भी गुनाह कहा है, और बहुत से जो इस लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान, अपने बारे में कहा कि मेरे बारे में जैसा गुमान रखोगे मैं वैसे ही मिलूंगा, और मैं तुम्हारी सोचों के साथ तुम्हारी सोचों के करीब तर हूँ। और शाह जी ने जैसे फरमाया ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप सबके साथ ऐसा वास्ता होता है कि आप कोई किसी को इनवाइट करे तो फिर आप अगर उसको सच्ची बात बताएं जी जी तो वो शायद मानने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर आप बिल आखिर अगर ये कहें कि शायद मैं उन दिनों इधर हुआ तो फिर शायद उसको रास्ता तो हम बदगुमानी के ऊपर लेकिन हम एक प्रोग्राम बनेंगे गुमान पे बदगुमानी पे, कि बदगुमानी आपसी ताल्लुकात में, घरेलू ताल्लुकात में, ऑफिस के ताल्लुकात में, जिंदगियां इससे खराब होती हैं, घर खराब होते हैं, दोस्तियां खराब होती हैं, खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और ये आज जो भी हमारी डिस्कशन है इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिज़ा बुखारी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, शुक्रिया शाह जी आपकी तशरीफ़ आवरी का, नईम साहब आपसे अभी हमने कसीदा सुनना है लेकिन आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बढ़ूंगा रफाकत भाई की तरफ, मगर उससे पहले जो शाह जी ने बात की थी कि कुछ थोड़ा सा नीचे भी हमें होना सीखें, ये दिखावे कि उससे हमें दूर जाना चाहिए, ये भी हसद हमारे हासिदीन में इजाफा करती है। शकीब का फिक्र फन है, उनको मियाँ मोहम्मद बख्श की ये बात जी जेन में रखनी चाहिए कि मैं गलियां दा रूड़ा, मैं
चढ़ाया साइयां। और शकेब का शेर मुझे याद आ गया कि ढोलक की थाप को जरा आहिस्ता कीजिए, मतलब आहिस्ता का मैं नहीं कहता कि बजाओ नहीं ढोलक, अपने घर में एंजॉय कर लो अगर थोड़ा बहुत करना है। ढोलक की थाप को जरा आहिस्ता कीजिए, रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पर, तो वो जो मलूल हैं, जो महरूम हैं, उन्हें आग मत लगाइए, उन्हें उकसाइए मत। रफाकत भाई प्रोग्राम के आखिर। जी जी हुजूर। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिले, मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकते, गुनागार था बेअमल भावगर, मैं गुनागार था बेअमल भावगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, मैं आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, मैं आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, मैं आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता, सदीक फारूक उस्मान हुए कोई اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم
كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لوموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم الأولى جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاهدي يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطرازي عزمي وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريديهم وطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي توبوا لي في السماء والأرض دكت وشاؤوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمالي نبي هاشمي مكي حجازي وجد به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا سلام يا
الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے سبحان اللہ محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا اللهم ماه رمضان المبارك کی ان سعید ساعتوں میں ان بابرکت لمحوں میں جبکہ افطار کا وقت قریب ہے اور تیرا حکم ہے کہ افطار کے وقت میرا بندہ عجز و نیاز میں ڈوب کر مجھ سے جس چیز کی طلب کرتا ہے میں اس کی طلب کو پورا کرتا ہوں۔ یا اللہ دعا مانگنے والا آمین کہنے والوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس وقت پورے روئے زمین پر نہ جانے کتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں، ان میں جو بھی تیرے ہاں قبولیت کا حامل ہے اس کی آمین کو قبول کرتے ہوئے آج کرۂ عرض پر انسانیت جن مسائل سے دوچار ہے، دہشت اور وحشت جو انسانی بستیوں کو گھیرے ہوئے ہے، یا اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے انسانی بستیوں کو امن اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت کرونا وائرس جس نے انسانیت کو اپنے نرغے میں جکڑا ہوا ہے، یا اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، اس وقت ان کے گھروں کے چولہے مدھم پڑ رہے ہیں، ان کی آرزوئیں اور امنگیں دم توڑ رہی ہیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ ہم اپنی امیدیں لے کر آرزوئیں لے کر تیرے در پر حاضر ہیں، یا اللہ ہماری امیدوں آرزوؤں اور دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے یہ ایام جو برکتوں سے لبریز ہیں، جو رحمتوں سے لبریز ہیں، ہمیں ان کی برکات سے کما حقہ بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت عالم اسلام، عالم انسانیت اور بالخصوص یہ خطہ جو جس سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، جو محبوب تیرے محبوب کے ماننے والوں کا کریہ ہے، جو تیرے محبوب کے سے محبت کرنے والوں کا کریہ ہے، ان پر اپنی شفقتوں، محبتوں اور خصوصی کرم کی بارش فرما اور ان کو وہ عافیت عطا فرما جو ایک دائمی عافیت کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا یا مولانا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔